आपको म्यूट पे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को 2-3 मिनट बोलने का चांस मिल जाए तब तक. देन वंस शुभांगी कम्स इन, आई थिंक शी कैन फॉर्मली स्टार्ट द सेशन. देन ओवर टू ऑल ऑफ यू गाइस. प्रीति, जी सर, हाँ, जी सर. ये आपको क्वेश्चंस आ गए सबके जो थे? हाँ, सर ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चंस शेयर कर दिए हैं, प्रोफाइल और क्वेश्चंस. शुभांगी मैम हैज ऑलरेडी डन दैट. ठीक 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 संदीप या प्रीति, जो संदीप सॉरी जो सतीश है ना हमारे बोर्ड मेंबर, जरा उनको ना लिंक एक बार दोबारा भेज देना. ही हैज कॉल्ड मी अप कि उनको लिंक नहीं मिला है. अभी भेज देता हूँ. क्विकली शेल वी स्टार्ट प्रीति? 11:30 हो गए हैं, बिकॉज बैर साहब को भी और भी दूसरे वो होंगे, तो फॉर्मली हम स्टार्ट करें प्लीज. यस शुभांगी, वी कैन डू दैट. ओके ओके. सो बैर साहब, जैसे कि आपने आपने हम लोगों को आदेश किया है कि जब हम आपसे बात करें तो हम अपने आप को विजिबल करें, तो मैं अपने आप को विजिबल कर रही हूँ. सबसे पहले तो नमस्कार बैर साहब, वी आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू. एट द आउटसेट आई वांटेड टू टेल यू कि आपने हमें इतने से शॉर्ट, मैंने आपसे शायद पिछले वीक ही बात की और आप हम लोगों से बातचीत करने के लिए राजी हुए. मेरी टीम जानती है तो. हेलो. हाँ जी 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 आपके बीच में आवाज बंद हो गई थी, अब ठीक है. जी जी सो बैर साहब, मेरी टीम ऑलरेडी आपके बारे में जानती है, हमने उनको बताया और उन्होंने जाकर के खूब वेब पे पढ़ लिया कि वो किन से बात करने वाली है. लेकिन मैं एक बार बहुत मुख्तसर में बताऊंगी, मुझे शायद हक नहीं है आपके बारे में कहने का कुछ ऐसे, लेकिन मैं जिस तरह जानती हूँ बैर साहब को, आप सब लोगों के लिए बताना चाहती हूँ कि मैं बैर साहब को एक जब यंग प्रोफेशनल थी उस दौर से मुझे बहुत प्रिविलेज हासिल हुआ है कि मैं उनको जानती हूँ और मैंने उनके साथ बहुत डायरेक्टली नहीं लेकिन काम किया है, इंटरेक्शन किया है. और बैर साहब एक देश में एक बहुत माने हुए वो शिक्षक प्रशासक तो रहे ही हैं, आप सभी जानते हैं कि वो मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की पोस्ट से रिटायर हुए, फिर एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश रहे, बहुत सारी कमिटियों में संस्थाओं में वो अपने एक परामर्शदाता के रूप में सलाहकार के रूप में जाते रहते हैं और उनकी सलाह को बहुत गंभीरता से लिया जाता है क्योंकि जो उनका अनुभव है व्यापक, उन्होंने अपने कार्यकाल में भी जब वो शैक्षिक प्रशासक थे ये बहुत कोशिश की कि वो शिक्षा के जो संस्थान हैं या कि जो नॉन गवर्नमेंटल एफर्ट्स हैं शिक्षा को लेकर के, आप जानते हैं एकलव्य संस्था को बनाने में स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा. वो एक शैक्षिक विचारक, एक चिंतक, एक शिक्षा कर्मी के रूप में मैं बैर साहब को जानने का मुझे सौभाग्य हासिल हुआ है. मुझे बहुत उनका मैं आदर करती हूँ और देश में जो भी लोग शिक्षा पे काम करते हैं वो बैर साहब को न जाने तो मुझे लगता है कि शिक्षा में उनका काम बिल्कुल अधूरा रह जाता है. तो इतना मैं कहूंगी, बैर साहब के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन क्योंकि हम उनको सुनना चाहते हैं. बैर साहब, आपको मैंने प्रोफाइल शेयर की है अपने कॉलीग्स की, लेकिन फिर भी मुख्तसर में सिर्फ बता रही हूँ कि इस वक्त जो लोग यहाँ पे 40-45 हैं इस वक्त कॉल पे, वो लोग हमारे जो हैं उसमें से कुछ लोग वो हैं जो कि हमारा फील्ड में काम के काम सुचारू रूप से चले इस चीज को देखते हैं, एकेडमिक इनिशिएटिव्स को. जैसे प्रीति हैं वो हमारी हेड ऑफ ट्रेनिंग है, हेडक्वार्टर के लोग हैं जो कि उनके काम में मददगार की भूमिका निभाते हैं, तो वो लोग हैं. और उसके साथ में मैं हालांकि अभी देख नहीं पा रही हूँ बट हमारे बोर्ड के भी कई मेंबर्स जो हैं वो इस वक्त कनेक्टेड हैं. और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो हमारे प्रेसिडेंट हैं मिस्टर अरविंद महाजन, वो इस कॉल पर हैं और वो शायद बीच में हो सकता है सवाल भी पूछें. और आपका धन्यवाद तो जाहिर है कि संस्था की तरफ से वो करेंगे ही. उसके अलावा मिस फिरोजा मेहता है, कृष्ण धवन जी होंगे, सतीश कुमार जी होंगे, विश्वजीत सेन होंगे, मैं अभी देख नहीं पा रही हूँ, पर वो लोग भी बहुत उत्साहित थे आपसे बातचीत करने को लेकर के. तो साहब ओवर टू यू, बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से व्यक्तिगत तौर पे और मेरी संस्था की तरफ से कि आप, ये हमारी पहली बातचीत है, मैं 100% श्योर हूँ क्योंकि जब जब मैंने आपसे अनुरोध किया है जहां जहां मैं रही हूँ आप तो आए ही हैं, तो हम आपसे बहुत बातें करेंगे, आपको 1-on-1 सुनेंगे, आपको बुला करके. ये कोविड सिनेरियो है इसलिए हम आपके साथ जूम पे बात कर रहे हैं.
तो ओवर टू यू बहर साहब फ्रॉम हियर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, प्लीज गो अहेड, गो अहेड, कुछ कह रही थी आप पूरा कर लीजिए। नहीं 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 नहीं, बस बहर साहब मैं कह रही थी मैं अपना वीडियो बंद कर रही हूँ अब। शुक्रिया शुभांगी, ये बड़ा वाला कैसे हो सकता। ओके, शुक्रिया शुभांगी, आपने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं इस एक नई संस्था, नई यानी मेरे लिए, जिस संस्था के विषय में जानता था पर जहां मेरा कभी भी आपस में लोगों से मुलाकात बातचीत नहीं हुई थी, वहां मैं आ पाया हूँ। पर सबसे बड़ी बात मुझे जो पसंद आई है वो यह है कि ऐसी शिक्षा की संस्था से बात कर रहा हूं जो केवल लड़कियों की शिक्षा में काम करता है। मैं शिक्षा के इतने सारे लोगों को जानता हूं, केवल लड़कियों की शिक्षा पर इतना बड़ा काम करना बड़ी अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं समझता हूं मुझे जो भी 15-20 मिनट जो जितना आप कहेंगे मैं बात कर लेता हूं। पहले सबसे पहली बात तो यह है कि नमस्कार सबको, उम्मीद है सब लोगों को सुनाई पड़ रहा है मुझे, कभी भी दिक्कत हो सुनने में तो मुझे बता दीजिएगा। पहली बात तो यह है कि मैंने आप लोगों के द्वारा भेजे गए प्रश्नों को देखा, आपने देखा होगा कि ये थोड़ा शायद अलग तरीका लगा हो आपको, ऑन पर लोग पहले बोलते हैं और फिर उसके बाद प्रश्न चाहते हैं, मैंने आप लोगों से प्रश्न पहले मांगा था और ये करके शायद मैं गलती कर बैठा क्योंकि मैं फंस गया हूं उसमें। मुझे जो विषय दिया गया है और आप लोगों ने जो प्रश्न किया है उसको मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा था। मुझे विषय दिया गया है शिक्षा के उद्देश्य और उसमें प्राथमिक शिक्षा की भूमिका, और फिर तीसरा हिस्सा है उसमें इंपैक्ट का क्या हो सकता है, इंपैक्ट क्या कर सकता है इस तरह का। मुझे काफी अच्छा लगा कि जितने करीब 40 प्रश्न आए हैं उसमें एक भी प्रश्न शिक्षा के उद्देश्य को लेकर नहीं है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि शिक्षा का उद्देश्य तो आप सब लोग जानते हैं, तो फिर मुझे क्या बोलना है। मैं आपके सारे प्रश्नों को मैंने देखा है, मैं अपने अपने हिसाब से प्रश्नों का विश्लेषण कर देता हूं। कई प्रश्न तो आज की जो समस्या है कोविड और कोविड का जो असर पड़ रहा है शिक्षा पर, व्यवस्था पर आज जो, उससे कई सवाल है, कई सवाल है जो सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित हैं, कई सवाल हैं जो लगता है कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उसमें मिड डे मील वाली समस्या आती रहती है, तो मिड डे मील से संबंधित समस्याएं हैं। और ज्यादातर जो समस्याएं आपके पास हैं वो है कहीं ना कहीं क्वालिटी के मामले में, अर्थात बार बार कि लर्निंग आउटकम नहीं अचीव हो पा रहा है, क्वालिटी तो नहीं हो पा रही है न सरकारी स्कूलों में न सरकार में न वगैरह वगैरह, ये मुख्य रूप से है। मुझे लगा कि यदि है ये सारा, आप इसका मतलब है कि आप जानते हैं उद्देश्य क्या है, तो क्या मुझे उद्देश्य बताना चाहिए। मैंने सोचा है और मैंने तय किया कि मैं उद्देश्यों की बात करूंगा आपसे, लेकिन पहले एक मेरी कहानी, मेरी अपनी कहानी। अभी मेरा परिचय शुभांगी ने दिया और आप सब लोगों ने देखा भी, बहुत सारे लोगों ने, मैं अपनी कहानी सुनाना चाहता हूं। मैं एक सैनिक के रूप में भर्ती हुआ था, पहले कुछ दिन सैनिक रहा और लड़ाई में शामिल होता रहा, फिर कुछ दिनों बाद मैंने नौकरी छोड़ दी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में बाबू बन गया, वहां रहने लगा, तो देखने लगा कि वहां होता क्या है, और फिर खुद ही सिलेक्ट हो गया मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, मैंने ट्रेनिंग कर ली। उसकी वजह से जब मैं सैनिक था वो एक, उसकी वजह से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सेना का कमांडर इन चीफ बन गया, और कमांडर इन चीफ बनकर मैं जब देख रहा हूं कि क्या करना है मुझे, आप जिस तरह की सेना जानते हैं वो सेना तो आमतौर पर
शांति से बैठी रहती है, एक्सरसाइज करती रहती है, तैयारी करती रहती है, लेकिन जिस सेना का कमांडर इन चीफ मैं बना, उस सेना को मैंने देखा कि वो लगातार संग्राम में लगा है, महासंग्राम में। महासंग्राम और छोटी मोटी लड़ाइयों का फर्क बता दूं, जहां लड़ाइयां लगातार अलग अलग जगह भी होती रहती हैं, अलग अलग स्तरों पर होती रहती है, और कुल मिला के बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। देखा कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, कहीं जीत ही नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कहीं भी जीत नहीं रहे हैं, हार ही रहे हैं। तो अंततः मैंने सोचना शुरू किया कि लड़ाई हम कर क्यों रहे हैं। वहां की समस्या जुड़ जाती है। मुझे लगता है कि जब तक हम जानेंगे नहीं कि हम लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए और क्यों लड़ रहे हैं, उसके बिना बात समझ में आती नहीं है। तो चूंकि वो मैं इतने सालों तक, समझिए कम से कम 50 साल तो हो ही गए हैं जब मैं इस धंधे में लगा हुआ हूं, इस लड़ाई में, संग्राम में, आपने शायद समझ लिया होगा कि मैं ये रूपक के जरिए शिक्षा की बात कर रहा हूं। तो मैं कुछ बातें कह रहा हूं, तो मैंने शुभांगी जी से कहा था यदि लिखा जा सकता है तो लिख दिया जाएगा, आप लोग भी लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा। कुछ मैं सूत्र वाक्य बताता हूं, फिर उससे आगे बढ़ जाऊंगा अपने उद्देश्यों की बात करने के। सबसे पहली बात, शिक्षा आज का नया धर्म है। हम पैदा होते ही मान लेते हैं कि हमें शिक्षा मिलनी है, और सब लोग मान लेते हैं कि हमें शिक्षा मिलनी है। कोई ये नहीं पूछता कि शिक्षा क्यों मिलनी, कोई शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ सवाल नहीं उठा सकता, जैसे धर्म के खिलाफ नहीं सवाल उठता। दूसरी बात जो कह दिया मैंने और कह देता हूं, असल में ये शिक्षा एक महासंग्राम है, और उसको हम लोग जब तक नहीं समझेंगे कि महासंग्राम क्यों हो रहा है, किनके बीच हो रहा है, क्या हो रहा है, और वहां हमारी क्या भूमिका है, तब तक हम जिस तरह के आप लोगों ने सवाल किए हैं, उन सवालों से आप हमेशा जूझते रहेंगे। समझ में आना चाहिए कि लड़ाई क्यों हो रही है। मैंने जितना किया तो समझ में मुझे आया कि अरे लड़ाई जिसके लिए हो रही है वो कौन लोग हैं। तो आमतौर पर आप समझेंगे और मैं समझूंगा, हम आम आदमियों के लिए लड़ रहे हैं, सब लोगों के लिए लड़ रहे हैं, इन लड़कियों के लिए लड़ रहे हैं जिनको आप पढ़ाएंगे, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं जिनको हम आगे चलकर सशक्त महिलाओं के रूप में देखना चाहते हैं। पर ये क्या सच है कि हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? यदि उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप लोगों ने जितने सवाल किए हैं उन सवालों में कहीं ये नहीं उठता है कि उससे इन लड़कियों का क्या भला हो रहा है। आप मान ले रहे हैं कि लर्निंग आउटकम्स मिलेगा तो इनका भला हो जाएगा। आप मान ले रहे हैं कि आठवीं की तक पढ़ लें और आपके यहां, या चौथी तक, पांचवी तक, जितना भी हो, और मेन स्ट्रीम में चले गए तो आपने इनका भला कर दिया। हाँ, मुझे लगता है ये सारे सवाल हैं जो मेरी तरफ से मुश्किल है। मैं इनमें से किसी को नहीं मानता। मैं और कुछ सवाल रख देता हूं। एजुकेशन और लर्निंग एक ही चीज है कि अलग अलग चीज है? एजुकेशन और लर्निंग में फर्क क्या है? हम लोग लर्निंग आउटकम की बात कर रहे हैं और एक एजुकेशन व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो क्या एजुकेशन से लर्निंग होता है? और सवाल, क्या जो लोग आपके इस स्कूलों में नहीं जाते वो लोग शिक्षा नहीं प्राप्त करते, वो लोग नहीं सीखते कुछ भी क्या? अगला सवाल, क्या शिक्षा की जगह स्कूल ही है, कॉलेज ही है, उसके अलावा कहीं नहीं होती शिक्षा क्या? इन सारे सवालों के बाद में आपको शायद शिक्षा के उद्देश्यों के विषय में आगे ले जाना चाहता हूं। पहली बात, शिक्षा के मैं दो उद्देश्य देख रहा हूं। एक उद्देश्य है उस व्यक्ति के संबंध में जिसको शिक्षा मिल रही है, और दूसरा है उस समाज के संबंध में जो समाज उसकी शिक्षा की व्यवस्था कर रहा है। व्यक्ति को क्या लाभ है, व्यक्ति के लाभ के संबंध में दो तीन बातें मैं कह देना चाहता हूं।
सबसे पहली बात तो व्यक्ति, जो सब लोग सोचते हैं और समझते हैं कि बड़े होने पर अपनी आजीविका कमा सके। नंबर दो, ये बहुत छोटा सा शुरुआत का है और इसी में हम सब फंसे हुए हैं। अच्छी शिक्षा का मतलब ऐसा हो जिसमें अच्छी नौकरी पा जाए, समाज में अच्छा अच्छी जगह पा जाए। पर दूसरा, जो आदर्श के रूप में हम लोग बात करते हैं, समझते हैं और जिस पर मेरा विश्वास है कि व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर जितनी भी संभावनाएं होती हैं, उन सब संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मौका देना, उत्साहित करना, परिस्थितियां पैदा करना वगैरह वगैरह। और इसमें तीसरा हिस्सा कि वो एक स्वतंत्र अस्तित्व उसका बन जाए, वो दूसरों के कहे अनुसार ही ना करता रहे, वो जो कुछ निर्धारित है उसी के पीछे ना चलता रहे, सोचने विचारने की शक्ति हो और इसलिए वो अपनी मर्जी से अपना रास्ता चुन सके, अपनी अलग अस्मिता स्थापित कर सके। यदि यह है, हाँ एलेन, इसको बड़ा किया जाएगा क्या, कह दीजिए बेटा, ओके। तो यदि ऐसा है तो क्या हम लोग आज जो भी शिक्षा दे रहे हैं इसमें से इन्हीं, इनमें से किसी बातों को कर रहे हैं, ये आप लोग सोचना शुरू करिए और तब आप लोगों के सारे सवालों के जवाब शायद आपको खुद ही मिल जाएंगे। दूसरी बात, समाज के लिए, तो समाज के लिए जब है ये, तो पहला मुद्दा तो ये उठ रहा है कि समाज शिक्षा देने की व्यवस्था क्यों कर रहा है। इसलिए कि समाज आज जैसा है वैसा ही अच्छी तरह चलता रहे। चलिए, ऐसा कह देने से समाज एक मोनोलिथिक एक चीज के रूप में नजर आ जा रही है। मैं कहता हूं कि नहीं नहीं समाज के बहुत अलग अलग हिस्से होते हैं। तो समाज में बहुत से लोग चाहते हैं कि आज जो चल रहा है वो अच्छी तरह चलता रहे, जिसको ज्यादातर आप सब लोग परिभाषा में कर देते हैं, अच्छा नागरिक बने, समाज का अच्छा सदस्य बने, अच्छा व्यक्ति बने वगैरह वगैरह, जिसकी बिना परिभाषा के जिसकी समझ ही नहीं आता। तो ये क्या है, हाँ ये चाहता है समाज। चलिए, समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि अरे ये बहुत गड़बड़ हो रहा है आज के जमाने में, और जो गड़बड़ हो रहा है वो सही नहीं है, इसलिए एक दूसरे प्रकार का समाज चाहिए। जब दूसरे प्रकार का समाज चाहिए तो वो उसका अपना सपना अपना बनाते हैं। ये जो प्रबुद्ध वर्ग है वो तय करता है कि उनके हिसाब से अच्छा समाज क्या होगा, और उस अच्छे समाज को बनाने के लिए वो शिक्षा देना चाहते हैं। लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि आप तय करें कि अच्छा समाज क्या होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हाँ वो जो समाज चाहते हैं वो समाज क्या, वही है जिसको आप अच्छी तरह पढ़ लिख कर एक स्वतंत्र चेता व्यक्ति, अपनी अलग अस्मिता रखने वाला व्यक्ति बनकर वैसा ही सपना, वैसा ही समाज चाहेंगे या नहीं इसके लिए गुंजाइश नहीं। वो जो समाज चाहते हैं वो समाज के लायक आपको शिक्षा देना चाहते हैं। अब हम जब शिक्षा में काम करते रहे, और एकलव्य की भी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब ये मुझे महसूस होने लगा कि सरकार से सारा काम अच्छी तरह नहीं हो पा रहा है, और एकलव्य की स्थापना की, उसकी मदद लेना शुरू की मैंने, तो भी वहां समझ में आया कि सब हम लोग जो कर रहे हैं हम लोग तय कर रहे हैं, हम लोग मतलब एकलव्य के आने वाले जितने ही उत्साही शिक्षा में ध्यान
ज्ञान रखने वाले, शिक्षा को सोचने समझने वाले और शिक्षा के जरिए दुनिया को बदलने वाले लोग मिलकर कर रहे हैं। तय कहीं हम लोगों ने ये नहीं देखा कि जो आम आदमी है, जिन लोगों को शिक्षा मिलने वाली है, उनका क्या है और उनका क्या चाहिए। तो मैं अब इसको संग्राम क्यों कह रहा हूं बता देना चाहता हूं। समाज में कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्या कहते हैं उसको, दकियानी उसी हिस्सा है जो समाज को जो आज है वैसा ही बनाए रखना चाहता है। समाज को बदलने वाला एक प्रबुद्ध वर्ग है, वो बदलना चाहता है लेकिन अपने सपने के मुताबिक बदलना चाहता है। और मैं अच्छी शिक्षा मानता हूं, शिक्षा को उद्देश्य मानता हूं कि जो आज के दकियानूसी समाज को लगातार प्रश्न करे, उसको ना स्वीकार करे, और जिस तरह का नया समाज के लिए सपना बनाया जा रहा है उस समाज की समस्याओं को भी मान के चले और कहे कि अरे ये क्या मामला है, आप ऐसा समाज क्यों चाहते हैं, मुझे सोचने दीजिए मैं किस तरह का समाज चाहता हूं, किस तरह मैं आगे इस शिक्षा के जरिए किस समाज के लिए काम करना चाहता हूं, मुझे मेरा सपना तो देखने दीजिए, मेरे ढंग से काम करने दीजिए। इसलिए कुल मिला के अभी जो समस्या है उसमें हम सब लोग दिग्भ्रमित हैं। ये जो मैं महासंग्राम कह रहा हूं तो क्या कह रहा हूं, अभी लड़ाई हो रही है प्रबुद्ध वर्ग के बीच दकवनिसु लोगों के बीच, अभी लड़ाई हो रही है उन लोगों के बीच जिनके हिसाब से केवल नौकरी चाहिए उनके बीच, लड़ाई हो रही है उन लोगों के बीच जो एक खास प्रकार का सपना का समाज बनाना चाहते हैं, और ऐसे लोगों के बीच जो चाहते हैं कि नहीं हमें कोई समाज का आप बताइए मत, हमको सोचे दीजिए, हमको बताने दीजिए, हमको आगे बढ़ने दीजिए। मैं इतना कह सकता हूं आपको कि इस लड़ाई में समाज के उद्देश्य जो घूम गए हैं और आप जो लोग जितने परेशान हैं उस परेशानी के पीछे 4-5-10 कारणों का जिक्र कर देता हूं, उसके बाद शायद अभी तो उसके बाद आप लोग शायद आगे आ सकते हैं, सामने आना शुरू कर सकते हैं जो भी पूछना चाहें इस सिलसिले में। पहली बात, यदि लड़कियों की शिक्षा की बात हो रही है तो मैं कहूंगा पहला उद्देश्य है दकियानूसी समाज से लड़ाई लड़ना, और यदि आप लड़कियों को 5वीं तक पढ़ा रहे हैं और 5वीं तक तैयार करके फिर से स्कूल में भेज दे रहे हैं तो आप सवाल तो उठाइए कि स्कूल में जो हो रहा है और आप जो यहां कर रहे हैं स्कूल में जाने के लायक बना रहे हैं, क्या वो लड़कियां पढ़कर दकियानूसी समाज के खिलाफ सवाल उठा रही, उठा सकेंगी, उसके लायक कुछ आपने बनाया कि नहीं बनाया। जब मैं ये कह रहा हूं तो सवाल भी उठ सकता है कि आप क्या 5वीं तक या 8वीं तक ये उम्मीद करते हैं। जब मैंने शिक्षा के इतने उद्देश्यों की बात की, यानी एक तरह से शिक्षा के कहें तो आप 3 प्रकार के उद्देश्य हो गए, एक इंसान के भले के लिए जो पढ़ रहा है, दूसरा समाज के भले के लिए ताकि समाज बढ़िया चलता रहे, और तीसरा समाज को बदलने वालों के लिए ताकि समाज बदल। लेकिन आप कहेंगे क्या प्राथमिक शिक्षा सब कर सकता है जो आप 8वीं तक काम करते हैं, ये मान लेता हूं मैं, यद्यपि बार बार मैंने पढ़ा और समझने की कोशिश की तो कहीं 5वीं तक वहां पहुंचा देने की इच्छा है। ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा प्राथमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है उसको बता दो। मेरी तरफ से प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है एक ऐसा इंसान बनने की बुनियाद रखना जो सेल्फ लर्नर है, आत्मनिर्भर सीखने वाला है। मजे की बात यह है कि हम पूरी व्यवस्था करते ऐसे हैं जिसमें आत्मनिर्भरता बिल्कुल ना आए। जब मैंने आपसे पूछा था, एक सवाल कर दिया है, शिक्षा और सीखने के बीच क्या फर्क है, कहीं ना कहीं हमारी मान्यता है पूरी शिक्षा व्यवस्था में कि बिना टीचर के पढ़ाए हम कुछ नहीं सीख सकते, टीचर की जरूरत है। मैं कुछ आगे चलकर बड़ी कक्षाओं में लोग जाते हैं तो उनका सवाल उठाता रहता हूं, भाई मुझे बता दो
यदि किताब अच्छी है और किताब समझा सकती है और शिक्षक भी है तो दोनों में से किसकी जरूरत है? यदि मैं किताब पढ़ने और समझने लायक बन गया उसके बाद दोनों में से किसकी जरूरत है मुझे? दोनों की जरूरत क्यों होनी चाहिए? या तो किताब खराब है और शिक्षक जरूरी है, और यदि किताब अच्छी तरह समझा सकती है तो संभवतः शिक्षक अनावश्यक है। तो कहीं ना कहीं मान्यता हमारी शिक्षा व्यवस्था ये है कि हम व्यक्ति को आत्मनिर्भर तो नहीं बनने देंगे सीखने के लिए। इसलिए आप जो अपने लर्निंग सेंटर में काम करते हैं, क्या आप उस लर्निंग सेंटर में ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जहां आत्मनिर्भर रूप से सीखने का गुण आ जाए, वो सक्षमता आ जाए? और इसलिए जब स्कूल जब भी जाएं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल जाएं चाहे प्राइवेट स्कूल जाएं, जहां भी जाएं वो खुद पढ़ सकें, खुद समझ सकें, खुद सीख सकें, पढ़ना ना हो तो खाली सुनकर भी समझ सकें, सीख सकें। एक जो मुद्दा मैंने उठा दिया और मुद्दा है कि आत्मनिर्भर सीखने वाला बनाना काम है आठवीं तक का। और जब आप लर्निंग आउटकम ढूंढते रहते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि लर्निंग आउटकम में क्या ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये सवाल है, लोग कहते हैं साहब लोग तो पढ़ना भी नहीं आता है, अभी तक तो इतनी कक्षा के लोग यहां तक क्या नहीं पढ़ सकते, यहां नहीं समझ सकते। सही है जो मैं कह रहा था ना, वो संग्राम आपके पार्श्वभूमि में नहीं है। इसलिए यदि मैं आपसे ये कह दूं कि सच में सारी व्यवस्था ऐसी है जो व्यवस्था नहीं चाहती है कि हम आत्मनिर्भर बने, और यदि ये व्यवस्था आत्मनिर्भर नहीं बनने देना चाहती है तो आप जो लर्निंग आउटकम्स ढूंढ रहे हैं वो किस तरह का लर्निंग आउटकम्स है वो आप समझने की कोशिश करिए। मुझे कहीं ना कहीं शक होता रहता है कि वो लर्निंग आउटकम नहीं, सक्षमता, सीखने की कॉम्पिटेंसी, सीखने की दक्षता की बात वो लोग नहीं कर रहे हैं, उसकी पहचान नहीं कर रहे हैं, वो ज्यादा बातें करना चाहते हैं उसके अंदर के सामग्री की। अब शिक्षक की दक्षता सीखने का क्या तरीका है? अब कुल मिला के सारा मामला है लर्निंग, सेल्फ रिलायंट लर्निंग बनने के लिए क्या क्या चाहिए। मान लीजिए मैं आपको एक दावा करूंगा कि बिना किसी किताब के पढ़े जाने मैं सेल्फ रिलायंट लर्निंग बन सकता, लर्नर बन सकता, तो क्या मुश्किल है? आप ये सवाल उठा लीजिए। मैं कह रहा हूं मुझे कोई किताब की जरूरत नहीं है, मैं किताब के बिना आत्मनिर्भर सीखने वाला बन जाता हूं। क्योंकि आपको बताना ये चाहता हूं कि हर पैदा होला वाला इंसान आत्मनिर्भर सीखने वाला है। मैंने आपको सवाल उठाया था जो स्कूल नहीं जाता क्या वो नहीं सीखता है? वो भी सीखता है, पूरी जिंदगी में बहुत सारी बातें सीख जाता है। हम लोग कहीं ना कहीं सीखने से मतलब लगा रहे हैं कुछ ऐसी चीज जो हम उसको सिखाना चाहते हैं, और पूरे 8th क्लास तक दिक्कत तो यही है। अभी 8th कक्षा तक आप कर रहे हैं, तो यदि सारा आग्रह आपका क्या सीख रहा है उस पर ना होकर सीखना कैसे सीखा जाए ये इस पर हो जाए तो बात बहुत बदल जाएगी। एक अगली बात इस पर कर देता हूं और फिलहाल मैं छोड़ देता हूं ताकि आप लोग थोड़ी सी जो भी बातें कहना है, प्रश्न करना है, मैं उठपटांग बातें कर रहा हूं उस पर क्या बोलते आलोचनाएं करना है। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी बातें माने जाए। मुझे बहुत मजा आता है और बहुत खुशी होती है कि लोग मेरी बात को से असहमत हों और उसका कारण समझा दें कि हाँ गलती आप कर रहे हैं और मैं सुधर जाता हूँ। तो कुल मिला के प्राथमिक शिक्षा का मैंने उद्देश्य बताया आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाना, उसमें सीखने वाला एक हिस्सा है पर और बहुत सी बातें हैं जिसमें आत्मनिर्भरता खड़ी होगी। फिलहाल मैं जो उस विषय का तीसरा हिस्सा है यानी आई इम्पैक्ट को क्या करना चाहिए, यदि इन सारी बातों को है तो वो बातें मैं थोड़ा बाद में रखूंगा, प्रश्नोत्तर के बाद जो आखिर का हिस्सा मेरे लिए रखा गया है उसमें। मैं फिलहाल रुक जाता हूं, जिस तरह के प्रश्न हैं। हाँ सॉरी, एक मिनट खाली रुक जाऊं,
संग्राम को मैंने साफ कर दिया है कि नहीं कर दिया है, मेरे ख्याल से साफ हो गया होगा। एक और बात कहूंगा तो शायद संग्राम और साफ हो जाएगा। जो तीनों प्रकार के लोग हैं वो तीनों नहीं जानते कि अपनी बात को कैसे किसी भी नए बच्चे को बड़े होते तक मनवा लेना। अर्थात शिक्षा का जो आपकी शिक्षा है, देखिए शिक्षा के दो हिस्से फिर कर देता हूं, जो समाज शिक्षा देती है वो तो दकियानुसी शिक्षा देना चाहती है, और हम शिक्षा शायद हम लोग दावा करते हैं जो लोग शिक्षा के नीति बनाने वाले लोग हैं कि हम बदलने वाले शिक्षा बनाना चाहते हैं, लेकिन दोनों को नहीं मालूम कि शिक्षा ये दोनों कैसे किया जा सकता है। हम दोनों चाहते हैं कि लालन पालन या उनका बढ़ना ग्रोथ ऐसा हो जिसमें हम हस्तक्षेप कर सकते हैं और उनको हमारे इच्छा के मुताबिक आगे बना सकते हैं। नहीं, हम बना सकते हैं लेकिन हम जानते भी नहीं कैसे बना सकते। मैं कहता हूं शिक्षा का आज तक मैंने कोई ऐसा दर्शन और कोई ऐसा अंश नहीं देखा है जो सच में जो चाहता है वो कर दे, जो प्रभावी हो जाए। अर्थात शिक्षा के जितने अंग हैं सब के सब हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस तो हिंदी अंग्रेजी सब समझ लेंगे मेरे ख्याल से, सब के सब कुछ मान्यताओं के आधार पर होते हैं और उन मान्यताओं के आधार पर हम चलते हैं, लेकिन वो भी नहीं चलते हैं। मैं एक और जो वाक्य लिखवाना चाहता था वो था कथनी और करने का अंतर। हम लोग जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। हम सब सिद्धांत जानते हैं कि हर बच्चा अपने रफ्तार से सीखता है, अपने ढंग से सीखता है, लेकिन हमारी स्कूली व्यवस्था कहती है कि सबके सबको एक साल में ये इतना इतना सीखी जाना चाहिए, दूसरे साल में इतना इतना सीखी जाना चाहिए वगैरह। ऐसी तरह जितने सिद्धांत हैं हम कहते हैं सर्वांगीण विकास होना चाहिए सारे तरीकों का। जो मैंने कहा था ना विद्यार्थी का मामला है तो विद्यार्थी का भला तभी होगा जब उसका सर्वांगीण विकास होगा, लेकिन स्कूल पहुंचते ही आप केवल उसे चाहते हैं कि उसको लिखना पढ़ना आए। उसको बढ़िया ड्राइंग आएगा तो उसकी कोई इज्जत नहीं, उसको बढ़िया पेंटिंग है तो कोई मतलब नहीं, कितने बढ़िया अच्छा गा सके और संगीत नृत्य कर सके लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर भी उसको शून्य मिलेगा यदि आप जिस तरह के अंक देते हैं। तो फिर कहाँ हुआ। तो मैं जो कहना चाहता हूं यहां का काम करना चाहता हूं, समझिए बात को क्या कह रहा हूं। हम लोग बहुत सारी बातें कहते हैं पर उन बातों को करने के लिए जिस तरह की व्यवस्था बनानी चाहिए वो व्यवस्था न बनाकर दकियानुसी व्यवस्था जारी रख रहे हैं। बहुत मजेदार बात है, दकियानुसी समाज को बदलना चाहते हैं लेकिन व्यवस्था को हम दकियानुसी ही रहना चाहते हैं। जो व्यवस्था मैकाले ने यहां खड़ी कर दी, जो व्यवस्था प्रशिया में शुरू हुई और जो पूरे यूरोपीय देशों में आज से 250 साल पहले पहुंची, उस व्यवस्था को ही हम बनाए रखना चाहते हैं और उसी के जरिए हम कह रहे हैं कि हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे सारे उद्देश्य पूरे कर देंगे, बिना समझे कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस दकियानुसी व्यवस्था को कैसे चुनौती देना चाहिए या कैसे बदल चाहिए। इसमें मैं केवल तारीफ कर देना चाहता हूं, दो प्रश्न जरूर ऐसे थे जिन दोनों ने प्रश्न, मैं जानता नहीं उनके पीछे क्या कारण था, पर दो प्रश्न हैं जिन दोनों प्रश्नों में था कि क्या शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, ये तो बदलना है तो कैसे बदलना है। फिलहाल इतना ही, अब आप लोगों के लिए मैदान खाली है। हेलो, कोई भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज अपने फोन को म्यूट से निकालिए। आई बिलीव लोगों ने लोगों ने हुआ होगा तो प्लीज अपने उसको म्यूट से निकाल लीजिए और सवाल पूछ लीजिए। प्रीति अगर से टीम को कहो हो सकता है कि वो म्यूट से निकाल लें अपने उसको। जी शुभांगी, दे ऑल डू इट। आप लोगों के कुछ सवाल थे जो हमने भेजे थे, पर अभी हमने जो भी बात सुनी है सर की, अगर उससे रिलेटेड अगर आपका और भी कोई सवाल है तो प्लीज आप इनफैक्ट सिर्फ सवाल नहीं, अगर आपका कुछ मत भी है, कोई व्यू पॉइंट भी है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज करिए। सिर्फ सवाल ही नहीं, आपकी तरफ से भी अगर कुछ, आई थिंक राहुल कुछ बोलना चाहते हैं। राहुल प्लीज। यस यस, नमस्ते सर। नमस्ते जी। तो आपको सुन के सर बहुत अच्छा लगा, और ये लगभग 2 साल पहले जब हम गांधी फेलोशिप में थे तो ये सारे आइडिया बहुत हम लोग डिस्कशन किए थे,
तो थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं कि इम्पैक्ट के साथ जब से एक साल से पिछले हम काम कर रहे हैं तो सेल्फ लर्निंग पे हम लोग का फोकस रहा है। लाइब्रेरी के माध्यम से बालिका को हम छोटे उम्र से लगभग वो 6 साल से हमारे सेंटर पे आना शुरू करती है तो हमको हम उसको स्वतंत्र पूर्वक पढ़ने की आजादी देते हैं कि आपकी जो मर्जी है जो भी इच्छा है वहां से आप पुस्तक निकालो। ठीक है, कभी तो बच्चिया को पढ़ने अगर नहीं आती है तो पिक्चर रीडिंग के माध्यम से पिक्चर देख के बहुत चीज सीख लेती है। तो ये एक आइडिया समझ में आया कि इस डायरेक्शन में हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, एक्टिविटी लर्निंग के माध्यम से हम बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं। लेकिन हाँ, दूसरा जब हम मेजर करने आते हैं, जब हम मैपिंग करते हैं, तो जो आपका एक पार्ट था सर कि वहां हम करते हैं अपने आउटकम के आधार पे कि बच्चियां पढ़ पा रही है कि नहीं, रीडिंग कितना कर रही है, फिर वो कितना सोशल साइंस के क्वेश्चन को आंसर कर पा रही है, तो उसको अभी मैपिंग करने का होलिस्टिक आइडिया हम डेवलप नहीं कर पाए। तो इससे संबंधित जो मेरा प्रश्न है सर कि 1835 जब लॉर्ड मैकाले की जो आपने बात किया उससे पहले मेरा एजुकेशन सिस्टम जो मैं थोड़ा सा जान पाया हूँ, जो आप बात कर रहे हैं वो था, वो तीन चीज था उसमें, विचार की स्वतंत्रता, कर्म की आजादी और दूसरों के लिए संवेदना। लेकिन वो शिक्षा व्यवस्था हमारा 1835 में मैकाले के कारण समाप्त हुआ, तो क्या उसमें कमियां रही थी जो हमारी वो शिक्षा व्यवस्था को भी समझौता करना पड़ा ब्रिटिश मैकाले एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, वो हम जानना चाहते हैं, उसके बीच का अंतर क्या था? ठीक है, बहुत अच्छा। मैं पहले तो प्रसन्न हूं कि आप कह रहे हैं कि आपका आत्मनिर्भर सीखने के ऊपर आग्रह होता है, बड़ी अच्छी बात है। इस संस्था के विषय में बहुत ज्यादा नहीं जानता मैं, पर मैं एक और बात उसी में जोड़ देना चाहता हूँ आपकी मदद के लिए। यस सर, आत्मनिर्भर पढ़ने वाला नहीं चाहता हूं मैं, आत्मनिर्भर सीखने वाला चाहता हूं। हां, और सीखने का क्या मतलब है, है ना, आगे बढ़ते हैं, वो उसको वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे हम। सीखने का मतलब है कि आपने जो कुछ भी प्राप्त किया उसको आज तक आपको जो मालूम है, आज तक आप जो करते रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आत्मसात कर लिया। एक तरह से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स की बात करते रहते हैं और ऐसा कहते हैं मानो कि हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल जाके हाई स्कूल में और कॉलेज में मिलेगा। मैं कह रहा हूँ हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल तो बच्चे के पास पैदा होते ही रहता है। क्यों क्यों के सवाल मैंने एक तरह से मैं यहाँ बोल दूं, मैं हमेशा मान के चलता हूं कब कहाँ कौन, ये सारे सवाल, इस तरह के सारे सवाल व्यर्थ हैं, ये कुछ हमको नहीं सिखाते। हमको सवाल दो ही हैं जो महत्वपूर्ण हैं, एक क्यों और दूसरा कैसे। और वो क्यों का सवाल बहुत दिलचस्प है, बताना चाहता हूं कि बच्चे क्यों का सवाल बहुत ज्यादा करते हैं और हम शिक्षा व्यवस्था में आते ही क्यों का सवाल बंद कर देते हैं। हम ज्यादा करते हैं क्या, कहां, किस तारीख को, क्यों के सवाल नहीं के बराबर हो जाते हैं। मुझे याद आता है मेरा मेरा पुत्र अमिताभ, जब वो छोटा सा था तो मुझसे उसने एक बार पूछा कि पापा चींटी तो मुझे काटती है, मैंने तो उसका कोई नुकसान नहीं किया, क्यों मुझे चींटी काटती है। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, मैं कुछ नहीं जानता था तब, उस जमाने में मैंने कभी इतना साइंस पढ़ा नहीं है। बाद में अब समझने की कोशिश की है कि चींटी किसी को काटती है कि नहीं काटती है, और काटती है तो किसको हम काटना समझते हैं वगैरह। खैर, तो मैं वापस ला रहा हूं, आपने उसके पहले जो सवाल उठाया उस सवाल में थोड़े मेरे मतभेद हैं आपसे, अर्थात उसके पहले हिंदुस्तान में जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के गुण भी थे और दोष भी थे। आपने उनके गुणों का जिक्र कर रहा, आप पता नहीं वो गुण कितने सही हैं नहीं जानता, पर उसकी सबसे बड़ी खराबी ये थी कि बहुत ही एक्सक्लूसिव एजुकेशन थी, वो केवल कुछ लोगों को मिल पाती थी और सबको नहीं मिल पाती थी। इसलिए
पर मैंने जो जिक्र किया बहुत फर्क किया था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, मैं उस पर वापस ले जाना चाहता हूँ। मैकाले की जो व्यवस्था आई है वो मैकाले की व्यवस्था नहीं। मैंने एक लंबा चारा निबंध लिखा है जो दो किताबों में छप गया, एक हिंदी में भी एक अंग्रेजी में, जो वो ये कहता है कि मैं कहना चाहता हूँ मैकाले होता या नहीं होता या? उस समय वही शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में आती, और यही नहीं जितनी कॉलोनीज थी सब कॉलोनीज में वही शिक्षा व्यवस्था आई, क्योंकि उस शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत मैंने आपके इशारे से कहा था प्रशिया शब्द इस्तेमाल किया था, जर्मनी का वो हिस्सा जो उस जमाने में प्रशिया साम्राज्य था वहां इसकी शुरुआत हुई थी। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ बहुत दिलचस्प, याद रखिए मैंने इस बात को फिलहाल टाल दिया था ये बताना आप लोगों को, इसकी शुरुआत में ही गंगोत्री से कहीं गड़बड़ी। ये शिक्षा व्यवस्था लागू इसलिए की गई थी, शुरुआत इसलिए की गई थी कि ओबीडियंट सिटीजन्स बन जाए, और बल्कि जब वहां प्रशिया में अच्छा होने लगा तो उसका पड़ोसी साम्राज्य था ऑस्ट्रिया नाम का, ऑस्ट्रिया ने देखा अरे ये तो बहुत काम आ रहा है, उन्होंने तुरंत कहा कि हम भी अपने यहां लागू करेंगे। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे प्रशिया के उस हिस्से में आज से 150 साल पहले कंपल्सरी एजुकेशन हो गया था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। और ये बताना चाहता हूँ बाकी यूरोपीय और अमेरिका देशों ने वहां जाके उसका अध्ययन किया कि कैसे होता है यहाँ जर्मनी के उस हिस्से में कितनी बढ़िया शिक्षा व्यवस्था है, और उसी व्यवस्था को सब जगह लागू किया, ताकि अब साफ कह दो मेरी तरफ से यह व्यवस्था केवल ओबीडियंट लोगों को बनाने के लिए, ये व्यवस्था अलग तरह सोचने वालों को बनाने के लिए नहीं, और इसीलिए क्राइमिंग के बेसिस पर रटने के लिए, जहां रटना शुरू कर रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ आप सोच नहीं रहे हैं। तो जो मैं आत्मनिर्भर सीखने वाला शब्द बार बार कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऐसा व्यक्ति सीखता है, सीखना जनरल मिल की क्या किताब में जो लिखा है वो समझ जाना, सीखने का मतलब है उस पर विचार कर सकना, उसके विचार करके उस पर प्रश्न उठा सकना, प्रश्न उठाकर आगे और उसके संबंध में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करना वगैरह वगैरह। बेसिकली क्वेश्चनिंग एबिलिटी जब तक नहीं होगी तब तक वो आत्मनिर्भर सीखने वाला नहीं हो सकता, तो फिर उसके बाद रुक जाएगा, फिर कहेगा अच्छा अब बताइए अगला पार्ट क्या है। खैर मैं कुल मिला के यहाँ कह देता हूँ, खाली इतना कहूंगा कि जो आपने सवाल उठा दिया था जानबूझ के मैंने उसको टाल दिया, क्योंकि मैं इस मौके पर इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता कि मैकाले पूर्व की व्यवस्था के गुण दोष क्या थे। हाँ उस पर हम आप बात कर सकते हैं किसी और दिन, यदि आप लोग ये तय करें कि वो उसी व्यवस्था जो यदि बदलना है आज की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लाना है तो उस तरह का लाना है, ये होगा तब उस पर बात करूंगा, माफ करिएगा। थैंक यू सर, आई होप यू आर हैप्पी सेटिस्फाइड, कोई जरूरी भी नहीं है ना, मैं कभी नहीं दावा करूंगा कि मेरे जवाब से लोग संतुष्ट हो जाएंगे जी। और कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे या कोई सवाल पूछना चाहेंगे प्लीज? प्रीसी कैन आई आस्क ए क्वेश्चन? हाय सतीश सर, प्लीज सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर, एंड आई एम वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स ऑफ इंपैक्ट एंड आई एम फ्रॉम चेन्नई। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सो फ्लुएंट इन हिंदी बट आई अंडरस्टूड व्हाटएवर यू आर सेइंग, सो आई हैव टू क्वेश्चन, कैन आई आस्क दैट? प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। So you said a couple of things which I understood, that intrinsically everybody has to be a self-learner, and education is an opportunity to help a person to explore and develop one's potential. Now the first question is, how do you reconcile this? Is it through a combination of curriculum and pedagogy, or how do you construct this thought? One. Second is, also you said, especially since we are in the primary education side, objective of primary education is to build the foundation of a society, as much as I understood from your talk. And is that the role of the government or the society or both? And as an example, let me give you one example also, like we have the Krishnamurti Foundation schools in Chennai. And that focused on self-learning, learning, self-development, etc.
But then in the primary part of education, that becomes very valid because the family as well as the children do not question, because it's a new way of learning and atmosphere. But once you cross to middle schools and high schools, if that had continued for a long time, then the perception is that then you are not fit enough to go for an education or a higher education or competitive field where you are competing with others who come from a conventional school. So how do you reconcile these two? Reconciling that at subsequent level, one starts questioning. Is that what you're asking me? Yeah. I mean, at the end of the day, I mean, through a primary education, I am able to learn, self-development happens. But then the system outside my educational thing, especially outside the Krishnamurti Foundation thing, is in terms of competing with each other, and the assessment is done by certain systems and processes which have been laid out by the government. And if I am not qualifying, I don't get in. Even if I am very bright, I am intelligent, I have learned, I know more than you, etc. Right. So, I fully agree with you. In fact, there is no question of reconciliation. Let us put it this way. There is a society, you know, I have deliberately put now. Is it all right to speak in English so that you understand well? And I hope others... you speak in maybe Hindi. I understand well, but I can't fluently talk. So that others also understand my question as well as your answer. Prithi, I think his some problem with this thing. Maybe you have to. Yeah, maybe a bandwidth. We'll just wait for a few minutes. I'm sure he'll get back. Shubhangi? Priti? Yeah. I have just spoken with him. He's coming back. Wo aa raha hai. Great. Let us all wait then. Behr sahab, aa jaiye aap. Okay. Haan ji. Ji. What is wrong? He's coming. No. He's coming back. Somehow, probably he pressed some button. His assistant had come. He's doing. Yes, he has come back. He's coming. Yes. Yes. Sir, aap aa gaye. Haan, aa gaya main. Okay. Ji. Main dekh sak raha hoon. Okay, Behr sahab. Yes. Ji. Ab awaaz aa rahi hai aap logon ko? Yes. Bilkul. Ji, Behr sahab. अच्छा तो चलिए फिर इसको वीडियो कर लो या स्टार्ट वीडियो निकल रहे ना हो बस सॉरी पता नहीं क्या हो गया था या नाउ यू आर विजिबल एंड वी कैन हियर यू आल्सो अच्छा गुड सॉरी विल समबडी Remind me because now I started dealing with challenges of technology. Okay, very good question that you had asked, Mr.
Preeti? Satish Kumar, yeah. Pardon? Hello? जवाब देता हूँ देखिए मैंने जानबूझकर महासंग्राम की बात ये समझने की जरूरत है कि एक दकियानुसी समाज है और इसीलिए दकियानुसी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। आप ये कह रहे हैं कि जब तक दकियानुसी समाज है तब आप शिक्षा को बदल देंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि हमको तो कंपटीशन चाहिए, हमको तो नौकरी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको बहुत अच्छा सवाल उठा और वही कारण है जिसके कारण आज तक ये लर्निंग आउटकम्स नहीं हो रहे हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था कथनी और करनी में अंतर, हम कहते हैं कि सर्वांगीण विकास करेंगे, हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाएंगे, हम कहते हैं कि ऐसा सब करेंगे, लेकिन जिस व्यवस्था में हम लागू कर रहे हैं उस व्यवस्था में आगे चलकर यदि मुझे समाज में फिट होना है, चाहे नौकरी पाकर व्यापार शुरू करके समाज में मुझे फिट होना है तो फिर तो मैं वही डकियानुसी समाज कंजर्वेटिव सोसाइटी वो अंग्रेजी चलेगी उसी कंजर्वेटिव सोसाइटी। तो आप मुझे सवाल जो उठा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठा रहे हैं, वो है कि जब कंजर्वेटिव सोसाइटी है तो एजुकेशन तो कंजर्वेटिव ही रहेगा और कंजर्वेटिव रहना ही चाहिए। मैं कह रहा हूं क्या एजुकेशन का पर्पस जो समाज चाहता है वो है या एजुकेशन का पर्पस समाज के जो लड़ने वाले लोग हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने जानबूझ के महासंग्राम कहा था, इस संग्राम में तीन पार्टी देख रहा हूं, एक मैं एज एन इंडिविजुअल हूं, मुझे न दकियानुसी समाज चाहिए न मुझे इनका बताया हुआ नया समाज चाहिए, मैं सोचना विचारना चाहता हूं, मैं अपना खुद का विजन देखना चाहता हूं, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार का समाज जो है वही चलता रहे और इसलिए वो कंपटीशन की व्यवस्था करते हैं। सवाल ये है क्या हम बहुत सारे शिक्षित लोग जो क्वेश्चनिंग माइंड वाले रियल बनेंगे वो क्वेश्चनिंग माइंड वाले क्वेश्चन करेंगे कि कंपटीशन करने का तरीका सही नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, जब मैं चीफ सेक्रेटरी था तो मैंने प्रधानमंत्री के साथ बैठक में मुद्दा उठाया था कि आप जिस तरह की परीक्षा का इंतजाम करते हैं आईएएस के लिए या अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस उस सब के जरिए आप तो इंडिपेंडेंट थिंकर को कभी नहीं चुन सकते, आप तो केवल थिंकिंग चुन रहे हैं एकेडमिक एक्सेलेंस जिसके पास है, जो ज्ञान है अभी तक दुनिया भर का जो संचित ज्ञान है अभी एक अगली लड़ाई है। मैंने आपको याद करिएगा मैंने कहा था कि बैटल बहुत अलग अलग जगह हो रहा है, महासंग्राम एक चीज है और लड़ाइयां बहुत अलग अलग जगह हो रही हैं, करिकुलम में एक अलग लड़ाई हो रही है, अलग अलग जगह अलग लड़ाई हो रही है। जैसे करिकुलम में लड़ाई बता दूं, मुझे जानने के लिए मुझे कोई गुंजाइश नहीं है करिकुलम में, करिकुलम केवल दुनिया जानवाना चाहती है और दुनिया को भी चाहती है कि जानकारी रखिए, दुनिया के ऊपर बहुत सारे सवाल मत उठाइए। तो खैर आपने जो सवाल उठाया है अब बहुत अच्छा सवाल है, यही जो मुर्गी अंडे वाला झगड़ा है एक तरह से दूसरी भाषा में कहा जाए तो मुझे बहुत सारा उन्होंने सवाल किया है, आपने बहुत बढ़िया अलग ढंग से किया, उन्होंने सवाल मुझसे किया है बार बार कि सवाल यह है कि यदि शिक्षा भी समाज का उसी दकियानुसी समाज का अंग है तो भला वो समाज को कैसे बदलने के लिए काम करेगा। हाँ और मेरा कहना है यदि दकियानुसी समाज है तो शिक्षा ही वो एक जगह है जहां से हम दकियानुसी व्यवस्था को कंजर्वेटिव सोसाइटी को कंजर्वेटिव ट्रेडिशंस को चैलेंज कर सकते हैं और उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम बेसिकली ट्राइंग टू से करेंटली दिस इज द प्रेशर, लड़ाई काहे के लिए है, और जब मैं कह रहा हूँ लड़ाई लगातार जारी है, मैंने आपको 50 साल का जिक्र किया, मैं 50 साल से लड़ रहा हूँ, क्यों लड़ रहा हूँ, क्योंकि हम अभी उसके हिस्से हैं और वो अभी चाहते हैं कि वही हो जो वो चाहते हैं, जबकि शिक्षा का काम है ऐसे लोगों को पैदा करना जो उसको रेजिस्ट कर सके,
तो ज्यादा बेहतर चीज है, उसके लिए आगे बढ़ सके। थैंक यू। एनी अदर, एनीबडी एल्स प्लीज। प्रीति जी, मैं भी कुछ बोलना चाह रहा था, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, बट सर जैसे कि बता रहे हैं कि समाज में रह के, इसी समाज में रह के, धक्के अनुसार समाज में रह के, धक्के अनुसार शिक्षा से लड़ना, लेट से कि थोड़ा बहुत काम किया जाता है, करने की कोशिश करते हैं, हम सारे लोग मिलके करने की कोशिश तो करते हैं, बट अल्टीमेटली उसको एनालाइज करने के लिए फिर से वहां पे वही लोग बैठे हैं जो उस नीति को बनाते हैं या उस शिक्षा में ऊपर लेवल पे हैं। सो फिर एनालाइज जब वही कर रहे हैं तो हमारा चेंजेस लाने का फायदा ही कोई नहीं हो रहा है, क्योंकि वो फिर से एनालिसिस उसी बेसिस पे होता है कि बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, घूम फिर के हम उसी सर्कल में फंसे हुए हैं, बार बार घूम के उसी में आते हैं। जो सोच डेवलप करवाना चाहते हैं वो किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं होती है, बच्चा थोड़ा सा सोचता है तो उसको दबा दिया जाता है, डरा दिया जाता है कि नहीं ये सीखना है, जो शुरुआत से उसको सिखाने की कोशिश करी जाती है जिसकी वजह से उसकी सोच वहीं पर रुक जाती है और उसी डायरेक्शन में चलती है जिस डायरेक्शन में हम ले जाना चाहते हैं, या समाज या शिक्षा या प्रणाली या जो भी है वो उसी तरह से चाहती है। सो इस सर्कल को तोड़ने के लिए आई डोंट नो, मतलब मैं कुछ लोगों को देखता था यहाँ पे, जब आया, जब से इम्पैक्ट ज्वाइन किया तब से मैं सुरेंद्र, रति, मौसम, ये कुछ ट्रेनर्स थे हमारे, इन लोगों से मिला। सो इन लोगों ने शायद वो जैसे हाथी से जब बहुत छोटा होता है तो उसको बेड़ियां डाली जाती हैं, तब उसके पास उतनी ताकत नहीं होती है कि वो उनको तोड़ कर निकल सके, एंड बाद में उसकी ये आदत पड़ जाती है कि वो बेड़ियों को तोड़ तो सकता है, उसके अंदर इतनी ताकत होती है लेकिन वो उससे निकल नहीं पाता है, बिकॉज उसका वो मेंटली इतना वीक हो गया है कि उसको पता है कि ये बेड़ियां नहीं टूटेगी। सो मैं इन लोगों को पता था कि ये लोग, इन लोगों ने बेड़ियां तोड़ी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये है कि उसमें काफी हद तक डैमेज किया एक नई सोच को डेवलप करने में, एक नए तरीके को, नए विचार को अपने अंदर इनकल्केट करने में। बट अगर ये घूम फिर के फिर से ये लोग फेल हो जाएंगे, अगर वही सारी चीजें, वही एनालिसिस, वही लोग जज करने वाले रहेंगे, तो फिर ये दिक्कत हमेशा ही चलती रहेगी। लगभग उसी तरह का प्रश्न है, लेकिन आपने एक बढ़िया सवाल अलग ढंग से उसको रख दिया है। जब मैं ये बात अब करूंगा तो मेरे शिक्षा में काम करने वाले जितने विद्वान मित्र हैं वो सब लोग मुझसे अप्रसन्न हो जाएंगे। मैं जगह जगह सवाल उठाता हूं धीरे से, ये शिक्षा जो इस तरह की है खराब, उसके लिए बुनियादी रूप से जिम्मेदार कौन लोग हैं? हाँ, और बहुत मजेदार बात है जब मैं ये कहूं कि इस समाज में वर्चस्व रखने वाले लोग उसके लिए जिम्मेदार है। अंग्रेजी में उसको रूलिंग एलिट कह दूंगा मैं, पर वर्चस्व रखने वाले कह रहा हूं। आखिर व्यवस्था कैसी चलेगी, कौन तय करता है, करिकुलम कौन बनाता है? टीचर्स बनाते हैं? नहीं। विद्यार्थी बनाते हैं? नहीं, राइट। बुद्धि से कौन तय करता है? क्या शिक्षा के द्वारा आज तक संचित ज्ञान देना है हमको दुनिया में जो कुछ है, जो एक तरह से आप जानते हैं शिक्षा का भी उद्देश्य हो गया है, आज तक समाज में संचित ज्ञान है उसको दिया जाए, ज्ञान को दिया जाए। ये नहीं है कि उस ज्ञान को प्रश्न करना सिखाया जाए, ज्ञान क्यों दिया जाए? जिन मुद्दों पर ज्ञान मिला था, बजहरवाद आजकल कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, आप सब लोग जानते हैं जो लोग काम कर रहे होंगे, निर्माण करने का अप्रोच, पर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है तो उसपे कहते क्या है आप? एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से आप उसी ज्ञान तक पहुंचे जो ज्ञान आज तक वैलिड मान लिया गया है। तो है मुख्य मुद्दे की बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जो प्रश्न उठाया मैं उसका, आपने इस्तेमाल किया विशेष साइकिल, मैं उसको वर्चुअल साइकिल बनाने का क्या तरीका है वो आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो इसीलिए जानबूझ के बहुत अच्छा है कि आप आठवीं तक काम कर रहे हैं। ये जो शिक्षा में बुनियादी दिशा, क्या बोलते हैं जो आप कह रहे थे,
जज करने वाले, आपने साधु संत जो जज करने वाले होते हैं, निर्णय लेने वाले होते हैं सही है कि नहीं, वो लोग आपको बोर्ड परीक्षा उसके बाद मिलते हैं। आठवीं तक मेरे पास काफी ऑटोनॉमी होती है कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं। हाँ, आठवीं तक भी करिकुलम होता है, आठवीं तक भी हर साल दर साल का होता है। जिन लोगों ने अब मेरी इस बात के साथ में ध्यान दिया होगा, वो देख सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो हमने के जो दो तीन प्रावधान जिनको बदला जा रहा है, जिन पर बदला जा चुका है और आपत्ति की जा रही है, उसके पीछे यही जो आप दक्षिणी समाज का वापिस लैश बैकलैश हिंदी में कहेंगे वापिस आना है, दबाव डालना है, आक्रमण करके प्रति आक्रमण करके जीत जाना है। इसके जरिए जो कोशिश की गई थी वो कोशिश ये थी कि आठवीं तक हमें थोड़ी स्वतंत्रता मिल जाए, हम अपने ढंग से काम करते रहे। और यदि आठवीं तक आपने तय कर लिया कि स्वतंत्र सोचने वाला व्यक्ति बना रहे हैं, तो फिर वो 9th, 10th, 11th में उसको और आगे चलकर रोका नहीं जा सकता। ये अलग है कि वो फिर भी प्रश्नों का उत्तर वैसा ही देगा। हाँ, मैं पता नहीं अपना उदाहरण देना गड़बड़ है, पर मैं कहना क्या चाहता हूँ, ऐसे में बहुत लोगों को जानता हूँ जो उन्होंने कहीं ना कहीं ये सब सीख लिया, उसके बाद भी हायर एजुकेशन में जाके, सेकेंडरी एजुकेशन में जाके भी अच्छा काम करते रहे, क्योंकि वो योग्यता तो है सीख लेने और क्वेश्चन करने की और आपसी संबंधों को जोड़ने की, बहुत सारी जो अच्छी चीज है, सिंथेसिस एनालिसिस वगैरह वगैरह, फिलहाल नहीं जाऊंगा, वो तो हायर ऑर्डर स्किल आपने पैदा कर दिया इस दौरान। तो मैं जब सेल्फ रिलायंट लर्नर कह रहा था, आत्मनिर्भर, तो मैं कह रहा हूँ लर्नर का मतलब है, इसीलिए जानबूझ के मैंने कहा लर्नर का मतलब किताब पढ़ के समझ लेना नहीं है, उसका मतलब और कुछ है। तो कुल मिला के आप जो कह रहे हैं उस विशेष सर्किल से दूर होने का, अब मैं एक तरह से ज्यादा साफ विद्रोही सी बात कर दूं, ये शिक्षा व्यवस्था तो बनाई ही गई है ताकि वर्चस्व रखने वालों का वर्चस्व बना रहे। जब तक इस शिक्षा को हम सबवर्सिव एक्टिविटी नहीं बनाएंगे, शिक्षा को जब तक हम इस ढंग से नहीं चलाएंगे जिसमें ऊपर से तो दिखता रहा, यानी मैं उसको बार बार ट्रोजन हार्स अप्रोच कहता हूं, जो लोग जानते हैं उस कहानी को ट्रोजन हार्स का, जो ऊपर से इनाकुअस लगता है, ऊपर से भोला भाला लगता है, पर अंदर से जहां उसमें वो तत्व हैं जो तत्व विद्रोह के लिए बीज पैदा कर रहे हैं, और वो किया जा सकता है। मैं कह रहा हूं आज की इसी व्यवस्था में पैदा किया जा सकता है। मैं अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से मेरे संबंध शायद आप लोग न जानते हो, उस पर भी मैं बहुत जाके स्कूलों कॉलेजेस में बात करता रहा हूं, अपने शिक्षकों काम करने वालों से, और लगातार मैंने उनसे बातचीत की तो मुझे ज्यादा व्यवहारिक समझ में आ गई ये बात। यहाँ आठवीं तक के पाठ्यक्रम को भी लागू करते हुए ये संभव है कि हम इन बातों को आगे बढ़ा सकें, लेकिन उसको करने के लिए हमारा तरीका अलग होना चाहिए, हमारा उद्देश्य अलग होना चाहिए। हाँ, यहाँ ये मैं मानता हूँ कि बहुत सारे राज्यों में क्या बोलते हैं शिक्षा संचालक SCRT जो सब उस दक्षिणी व्यवस्था के प्रतीक हैं, वो सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, पर वो सारे स्टेज ऐसे हैं जहां मैं कहना चाहता हूँ क्रिटिकल, ऐसे स्टेज नहीं होते हैं जहां निर्णायक हो जाए आपकी जीवन के लिए, जिंदगी के लिए। तो शायद आठवीं अच्छी जगह है, क्योंकि आपने कह दिया, मैं और कह दूं, मैंने आप लोगों का मिशन वशन देखा, जो भी बोर्ड मेंबर्स हैं मिशन देखा, बोर्ड मेंबर ने एक सवाल मुझे भी किया है कि हमको और क्या करना चाहिए, कैसे हम फर्क हो सकते हैं। मैं आपके विजन और मिशन दोनों को बदल रहा हूं मैंने बढ़ा रहा हूं। मेरी तरफ से विजन है, और इसीलिए अभी तो हम जनरल बात कर रहे थे, मैं वुमेन वाली बात पर नहीं गया था, शायद अब मैं इस मौके पर प्रश्न करने वाले आएंगे तो आ जाएंगे, पर फिलहाल मैं वापस ला दूंगा। जब मैं दक्षिणी समाज को चोट पहुंचाने की बार बार बात कर रहा हूं, तो मैं कहीं ना कहीं इस संस्था के कॉन्टेक्स्ट में मेरा मन है कहने का, जहां जेंडर डिफरेंसेस है ना, सारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, हम खाली लड़कियों को पढ़ाकर अच्छे स्कूल में भेजने का काम नहीं करेंगे यहां इस संस्था में। मैं यदि वहां शुभांगी की जगह पहुंच जाता या उनके असिस्टेंट बना दिया जाऊंगा, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हम केवल पांचवीं तक ले जाएंगे उनको या आठवीं तक पहुंचा देंगे,
मिनिस्ट्री में पहुंचा देंगे। मैं कहूंगा हम यहाँ नारी स्वतंत्रता आंदोलन की बुनियाद रख रहे हैं और हमारे लर्निंग सेंटर्स में हम वो बुनियाद रखेंगे। वहां से वो जाएंगे तो भले ही कितना ही वहां के रजी में आने लगे, लेकिन जो हम बीज बो रहे हैं वो तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से मैं एक तरह से माफ करिए, मैं जानता हूं थोड़ा बहुत उन लोगों के बैकग्राउंड को जिन्होंने इसको बनाया और इतना बढ़िया काम किया है, इतना उसके लिए डोनेशंस देते हैं और प्राप्त कर लेते हैं। पर जब कह रहे हैं कि हम स्कूली शिक्षा में लड़कियों को अच्छी भागीदारी के लिए काम कर रहे हैं, तो उसका एक मतलब हो सकता है जो मैंने शुरुआत में की, ताकि वो अच्छी नौकरी पाए, वो लोग भी अच्छा आजीविका कमा सके, स्वतंत्र हो सके, अपने घर में केवल पति के भरोसे ना रहे उनके आत्म, ये एक तरीका हो सकता है कहने का। लेकिन मैं बेसिकली कह रहा हूं जो नारीवादी आंदोलन है, नारी स्वतंत्रता का आंदोलन है, नारी बराबरी का आंदोलन है, उस बराबरी के आंदोलन की बुनियाद कैसे हम इनके जरिए रखेंगे। जब मैं दक्षिणी समाज कह रहा हूं तो मैं बहुत सारी बातें कह रहा था, जाति भी धर्म भी बहुत सारी बातें कह रहा था, पर उसको टाल रहा था। मुख्य मेरा प्रयोजन है अभी फिलहाल कि यहाँ यदि है, उस प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ जो लिखित आया था मुझे, यदि यहाँ आपकी संस्था काम कर रही है तो कहीं ना कहीं आपका जो विजन है वो है नारीवादी आंदोलन के लिए सक्रिय कार्यकर्ता तैयार करना, उनकी बुनियाद 8वीं तक रख देना और इतनी बुनियाद रखना कि वे रेजिस्टेबल है, उनको उसके बाद अदम्य है वो, उसके बाद भले ही उनको फिलहाल मानना पड़े हो जो वहां की बातें मानते हैं, हाँ, जो रजीम है, ताकि वो हाई स्कूल में अच्छे नंबर पाए, फला पाए, लेकिन मन में कहीं ना कहीं वो है और हर जगह वो उनके काम आएगा। मैं समझता हूँ कि, और इसीलिए फिर मैं जो विजन वो हुआ, फिर मिशन की जो बात कर रहा हूँ, वो मिशन में ऑलरेडी आपने वो रखा हुआ है, पर मिशन में भी इसके हिसाब से आप जो समझ रहे हैं देख लीजिए, इस विजन में को करने के लिए मिशन में किस तरह की थोड़ी बहुत भाषा का बदलाव लाना पड़ेगा। यदि आप लोगों को ये पसंद है, जाने कितनी महिलाएं हैं बोर्ड में, कितनी महिलाएं हैं जो डोनर्स हैं IIM के उस बैच में जिन्होंने इसको किया है, या कितने लोग फेमिनिस्ट हैं, तो एक तरह से मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। और इस प्रश्न को मैं तो खुद ही उधेड़बुन में, मैं आपसे कह रहा था कि लगातार लड़ता रहा हूं और हारता रहा हूं, कभी मैंने कहा कि मैं जीत गया हूं, हां, तो लेकिन इस बात का रियलाइजेशन कि आप एक लड़ाई में लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में आप बार बार हार रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं और लगातार लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक रास्ता देता है। और मेरी समझ में वो रास्ता आप सब लोग यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, अभी उन लोगों से पूरी विस्तार से बात करने की गुंजाइश नहीं हुई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस तरह की संस्था में जो आके काम करेंगे वो कहीं ना कहीं इस विशेष सर्किल को काटने के लिए, साइकिल को काटने के लिए इस तरह की अपने लर्निंग सेंटर्स में काम कर सकते हैं, जहां वो जाके इस तरह के लोगों को हम तैयार कर रहे हैं। जी सर, डेफिनेटली हम यही ट्राई कर रहे हैं कि ऐसे ही काम हो, बट कहीं कहीं पे आके अटक जाते हैं जब वही एक बेंचमार्क आ जाता है कि हमारे बच्चे भी उतना जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो वहाँ पे मेरे को लगता है हम फिर से उसी सोच में गिर पड़ते हैं या गिर जाते हैं कि जिससे हम खुद निकलना चाह रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो क्लैश कर जाती हैं, सो देखते हैं कैसे डील करते हैं ना, आप सब लोगों का मार्गदर्शन रहेगा तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ ना कुछ सुराग मिलेगा। शुक्रिया सर। हाँ जी, रवि ने, आई थिंक रवि को मिल गया है जवाब एंड ही इज ऑलरेडी आस्क्ड द क्वेश्चन एंड उस पे आई थिंक रामचंद्र जी कुछ बोलना चाहेंगे। जी मैडम, मैं सर के साथ में एक जो इम्पैक्ट का अनुभव है वो शेयर करना चाहूंगा। एक्चुअली मैंने एक जगह देखा है बांसवाड़ा में, हमारे सेंटर से जो बच्चियां पढ़ कर के गई है, हालांकि मैं ये तो दावा नहीं करता हूँ कि सब कुछ हमने बहुत अच्छे से किया, लेकिन वहां से जो बच्चियां पढ़ करके निकली और गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला लिया, वहां के स्कूल टीचर्स का कहना यह था कि हम इस क्लास में पढ़ाने नहीं जाएंगे, क्योंकि इस क्लास में जो 5-6 बच्चियां आई है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करती है,
और ये शब्द हैं उस स्कूल के प्रिंसिपल के। इवन मेरे साथ में संदीप सर भी एग्री होंगे, क्योंकि उनके साथ में भी जब डिस्कशन प्रिंसिपल का हुआ था तो उन्होंने भी ये बात रखी थी। मेरे साथ में जब मैं उस स्कूल में गया तो हमारे जो ऑनरेबल डोनर हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव भी मेरे साथ में थे, तो उनके सामने भी उन्होंने यही बात फिर से दोहराई। तो एक तरह से हम काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो ये है कि आगे जाकर के फिर दिक्कतें वैसी ही उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जो सिस्टम है उस सिस्टम में फिर से उनको उसी रूप में आना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो हम काम कर रहे हैं और हमारा जो उत्साह बढ़ता है, आखिर में वहां जाकर के हमारा जो उत्साह है उसमें फिर ठंडापन आ जाता है। इसको बनाए रखने के लिए हमको किस प्रकार से और अपने आप को तैयार करना होगा? बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। इससे सिद्ध होता है कि किया जा सकता है, है ना? एक जगह हुआ, कुछ लोगों के लिए हुआ, पर ये संभव है। इसकी संख्या हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके संबंध में बहुत लोगों ने सवाल उठाया था कि टीचर ट्रेनिंग, टीचर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, कैसे ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या चीजें की तैयारी अभी होती है वो सही है, वगैरह वगैरह। तो आप वापस आ गए हैं, टीचर नहीं कहूंगा फिलहाल, आपके यहाँ टीचर कहिए आप उसको, एक जो भी है काम करने वाली या करने वाला, उनको कैसे तैयार करना उसके ऊपर निर्भर करता है। जो मैंने कैमोफ्लेज की बात की थी, ट्रोजन हॉर्स यानी छिपकर प्रच्छन्न रूप से कैसे आप सबवर्सिव काम कर सकते हैं, इसका जो जिक्र किया था, तो मैं आपसे उदाहरण देना चाहता हूँ। क्या हम शिक्षकों को, और इसलिए मेरा बहुत शुरू से आग्रह था, मुझे याद है कि हम एकलव्य से भी पहले के जमाने में जब किशोर भारती ही केवल था, और आपको पता नहीं कितने लोग सब कहानी जानेंगे, पर मुख्य मुद्दा है, तब से मेरा आग्रह था कि यदि शिक्षा को बदलना है तो सबसे पहली जरूरत है शिक्षक प्रशिक्षण को बदलने का। किस तरह की शिक्षा की तैयारी होनी चाहिए? जो हम कंटिन्यूअस एजुकेशन शिक्षकों का करते हैं वो कैसे करेंगे? क्योंकि मेरा विश्वास है, अभी आपने जो उदाहरण दिया बता देता हूँ, और बदलने का जो एक तरीका है, इसके कारण फिर से उस विषय पर आ गए हैं, कैसे हम बदल सकते हैं तकनीकी समाज के दबावों के बावजूद। बदलने का केवल एक तरीका है, और वो तरीका है ऐसा शिक्षक जो बदलना चाहता है इसको और समझ गया है, और जो शिक्षा की बुनियादी अनुशासनात्मक जरूरतों को, अर्थात एक करिकुलम है, एक खास प्रकार का बोर्ड में सवाल आएगा उसको उत्तर देना पड़ेगा, इसकी तैयारी करना करवा सकता है, पर साथ साथ इन सब के खिलाफ भी तैयारी करवा सकता है, और खिलाफ के जरिए उसकी तैयारी करा सकता है। ये संभव है? पता नहीं मेरी बात साफ हो पाएगी नहीं, एक तरह से मैं दूसरी ढंग से कह रहा हूं कि आप करिकुलम में जो है उसको तो सीखना पड़ेगा आपको, लेकिन उसको हमेशा आप क्रिटिकल एप्रिशिएशन के साथ करेंगे, और इसलिए जब सवालों का जवाब आप देंगे तो सवालों का जो जवाब मांगा जा रहा है, चाहा जा रहा है, वो तो देंगे ही, परंतु उसके साथ साथ उसमें कहीं ना कहीं आपका अपना ओरिजिनल इनपुट होगा कि कैसे इन सवाल इन जवाबों में बहुत सारे सवाल छुपे हैं जो फिलहाल इसमें उत्तर में नहीं है। चूंकि ये है, तो मैं एक और मैं मुद्दा उठा देना चाहता हूँ जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था। मैंने राजस्थान भी उसमें शामिल है, कुछ 7-8 राज्य हैं, उन राज्यों के बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की पिछले 10 साल की, अभी से नहीं, आज से 3-4 साल पहले, उसके पहले की 10 साल के सारे बोर्ड प्रश्नों का विश्लेषण करवाया था, और विश्लेषण करा के ये सिद्ध किया था, उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी, कितनी सफलता मिली है अभी नहीं कहूंगा, मैं हारता हूं कहता हूं, लगातार हारना पड़ता है, कि आप लोग जिस तरह का प्रश्न करते हैं वह प्रश्न आप जो उद्देश्य बता रहे हैं शिक्षा के उससे मेल नहीं खाता। सारे प्रश्नों को आप देख सकते हैं कैसे प्रश्न केवल मेमोरी बेस्ड हैं, और जहां तथाकथित एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होता है वहां भी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज रियल नहीं होता है, वहां केवल होता है किताब में जो 4 उदाहरण दे दिए गए हैं,
कि इसका कैसे एप्लीकेशन होगा, तो उसी उदाहरण को आप चाहते हैं, उसी की मांग करते हैं वगैरह वगैरह। तो एक एक जो दूसरा तरीका इसको बदलने का है वो तरीका है बोर्ड की परीक्षाओं में परिवर्तन लाना। और बोर्ड की मजेदार बात यह है, कोई बोर्ड ये नहीं कहता कि वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल नहीं चाहता, कोई बोर्ड नहीं कहता कि वो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप नहीं करना चाहता है, हाँ, लेकिन फिर भी सवाल वो नहीं उठाते क्योंकि सवाल बनाना भी नहीं जानते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह के सवाल करना बहुत कठिन है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कहा था, आप लोगों सबसे, कि क्यों और कैसे का सवाल कठिन है, बाकी सवाल तो बहुत मामूली है, हर जगह मिल जाएंगे। मैं इस मामले इसलिए प्रश्नों का एक मापदंड बताता हूँ मेरी तरफ से। मैं कहता हूं अच्छा प्रश्न कौन है, अच्छा प्रश्न वह है जिसको जवाब देने के लिए करिकुलम में जो है पाठ्य पुस्तकें जो तय की गई हैं उनको पढ़ना जरूरी है। अब यहां आप डेक्वेनिसी बात को मान गए। दूसरा, लेकिन केवल किताबें पढ़कर भी उत्तर देना संभव नहीं है। अब सोच लीजिए, ऐसे सवाल बहुत आप कर सकते हैं, आप सब लोग जो लोग हैं और इस तरह की बात करते हैं, ट्रेनिंग अपने क्लास में इवेल्युएशन भी करते होंगे, मूल्यांकन के लिए करते होंगे, उन सबको मैं कह रहा हूं बहुत दिलचस्प बात है कि आप ऐसे सवाल सोच सकते हैं जिस सवाल का जवाब किताब को पढ़े बिना तो ना मिले, लेकिन केवल किताब में उसका जवाब ढूंढ लेने से नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं और कुछ जोड़ना पड़ेगा, आपकी सोच, आपका बोलने का, आपका विचार करने का तरीका, आपकी आलोचना, आप प्रशंसा, जो भी आप करना चाहते हैं, यानी कुल मिला के यू आर फर्दर थिंकिंग अनलेस द पर्सन, सॉरी अंग्रेजी बोल रहा, माफ करिएगा, उत्तर में जब तक व्यक्ति परिलक्षित नहीं होता है, यदि उत्तर में केवल नजर आता है किताब तब तो व्यर्थ है। तो सब लोग ये करते हैं, हर उत्तर में व्यक्ति को नजर आना चाहिए, और व्यक्ति को नजर आने लायक प्रश्न कैसे बना सकते हैं, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और इसके लिए बोर्ड, अब देखिए, अब मैं वहां पर जो बदलाव लाने की बात हुई थी उसमें मैं अपनी शुरू की सैनिक बनने की कहानी और सब कहानी सुना रहा हूँ, उसमें फिर वापस लाता हूँ। मैंने एक सवाल ये भी उठाया था कि हम किसके लिए कर रहे हैं, क्या हमने कभी भी इन आंदोलनों में जिन बातों को मैं आपसे कर रहा हूं, जिसको आप मान लीजिए सहमत हो गए, मान लीजिए असहमत होंगे, बहुत सारे लोग मान लेता हूं, मान लीजिए आप सहमत हो गए, तो क्या आप इन बातों को अपनी कम्युनिटी को, जिन गांवों में काम करते हैं उनको समझाने के लिए तैयार होंगे। हमारे एकलव्य के बहुत सारे कार्यक्रमों की असफलता के पीछे एक कारण ये था, हमारे शिक्षाविद मित्र ने तय किया अच्छी शिक्षा क्या होती है और वो करना शुरू कर दिया, पर वो अच्छी शिक्षा गांव वाले नहीं मानते वो अच्छी शिक्षा है, क्योंकि गांव वालों को दूसरी दकिया निसी व्यवस्था का हिस्सा है। तो जब तक आप गांव वालों को भी तैयार नहीं करेंगे, यदि बोर्ड की परीक्षा का मैं तरीका जो बता रहा था, क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि हम मोबिलाइज करें लोगों को, जो यानी जिन लोगों के लिए शिक्षा मिल रही है। प्लीज, मैं संग्राम को फिर वापस दोहरा रहा हूं, लड़ाई कहाँ है, जो दलित शोषित मार्जिनलाइज लोग हैं इस दकियानसी व्यवस्था में जो दबे हुए हैं, और जो वर्चस्व रखने वाले जो करिकुलम बनाते हैं, जो बोर्ड परीक्षा करते हैं, जो सब करते हैं, जिसमें केवल सरकार में बैठे और राजनेता और ब्यूरोक्रेट नहीं है, उसमें सारे शिक्षाविद भी शामिल, तो ये इन लोगों की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में तभी संभव है जब आप लोगों को समझा सकें कि यदि आपके व्यक्ति, आपके लोगों को, बच्चों को आगे चलकर रियली कुछ बड़ा होना है तो आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको इस तरह के सवाल, बोर्ड परीक्षा के सवालों को बदलना पड़ेगा। अभी तो ठीक उल्टा है, बोर्ड परीक्षा के सवाल बदल देते हैं कुछ हमारे मेरे मित्र हैं जिनको मैं जाके समझा बुझा देता हूँ, तो उल्टा आंदोलन सा हो जाता है कि कैसे उठपटांग सवाल दिए, पैटर्न के खिलाफ प्रश्न दे दिए गए, ये प्रश्न तो किताब में कहीं नहीं है वगैरह वगैरह। मैं चुप हूँ, आगे कोई हो तो। आई थिंक रामचंद्र जी कुछ बोल रहे हैं पर उनका म्यूट पे है। रामचंद्र जी 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 सर, मैं आपकी जो बात है उससे सहमत हूँ। और दूसरा चीज जो मैंने देखा है, राजस्थान और एमपी में एक टाइम ऐसा भी था कि बच्चों को वो कुछ बुक्स ऐसी दी गई थी, आओ करके सीखें, और बहुत कुछ जो आपके एकलव्य की बुक्स मैंने देखी वो भी उसी प्रकार की हैं।
मेरे जो नॉलेज है उसके मुताबिक एमपी गवर्नमेंट ने किसी समय ये भी किया था कि एकलव्य की बुक्स को भी अपने करिकुलम में शामिल किया था, लेकिन समय के साथ में सब चीजें बदलती चली गई और जो चीजें शुरू की गई थी, मेरे हिसाब से, मैं अपना व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ कि जो अच्छी चीजें थी उन चीजों को एक बार फिर से छोड़ दिया गया है और कुछ लोगों ने अपनी तरफ से जो करिकुलम डेवलप किया है उसको फिर से वापस ले आए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक मिशन है कि हम अपने आप से जो चीजें सीख रहे हैं और उनका उपयोग करते हुए समाज में बदलाव लाने की कोशिश करें, साथ ही अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करें, उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया गया है। जी हेलो जी जी शुभम जी प्लीज गो ऑन। कोई और पूछना है क्वेश्चन क्या? नहीं तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ बहर साहब से। हाँ मैं ओवर टू यू। ओके बहर साहब, मेरा आपसे आपसे सवाल ये है कि आपने हमको एक बार दोबारा से एक तरीके की उसमें डाल दिया कि हम शिक्षा के बुनियादी सवालों पर हम वापस जाकर के अटक गए और ये भूल गए कि 1-5 क्लास की शिक्षा, स्कूलास्टिक एजुकेशन, हम एक बड़े दायरे में आपने हमको दाखिल कर दिया। पर मैं आपसे जो जानना चाहूंगी बहर साहब कि हम एक संस्था में चला रहे हैं, राइट, इम्पैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है और जिसका एक तो उसका एक लिमिटेड दायरा भी है जिस दायरे के अंदर वो काम कर रही है। तो अगर मैं आपकी आपने जो कुछ भी कहा मुझे लगता है कि इतने ब्यूटीफुल शब्दों में आपने कहा कि हमें लगा कि हम एकदम एक नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। पर अगर आप हमारी स्थितियों को देखें, हम जिन इलाकों में काम करते हैं उनको देखें, तो अगर आप कोई 4-5 हमको टिप्स दें कि कैसे आप ये जो ट्रांसफॉर्मेटरी एजुकेशन है विच इज बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस और जो इंसान को एक इंडिपेंडेंट रिफ्लेक्टिव थिंकर की तरह तैयार करती है, तो कुछ ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोगों को जब प्रैक्टिकल में 3-4 चीज बता दें कि शायद ये करो और ये इस चीजों को देखना शुरू करो तो आप बदलाव की तरफ बढ़ रहे हो, तो क्या आप ऐसा कुछ हमें 3-4 एकदम स्टेप्स क्रोनोलॉजिकली नहीं पर लॉजिकल स्टेप्स आप हमको बताएंगे एक संस्था के तौर पर कि जिनको हम करें और हम एक्चुअली इस शिक्षा को देने में समर्थ हों। और बाय द वे बहर साहब, हम 8वीं तक भी अभी नहीं हैं, हम सिर्फ 1-5 तक के शिक्षा की बात कर रहे हैं 6-14 साल की लड़कियों के लिए, तो हम अभी 8वीं तक गए भी नहीं है, तो ये भी एक नई थिंकिंग है हमारे लिए, हम 1-5 की बात करते हैं अभी। माफ करिएगा, मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ा उसमें कहीं ना कहीं 8वीं कद तक का जिक्र है, देख लीजिएगा। कोई बात नहीं, मेरी गलत, मेरी समझ में, आखिर मैं तो इतना कम जानता हूँ आपको। तो माफ करिएगा, समझ गया। देखिए ऐसा है, मैं आपके सुझाव के लिए 2-3 बातें कह सकता हूँ। आपने कुछ 4-5 कहा है, मैं कुछ सुझाव दे सकता हूँ। क्या हो गया? आप सुन रहे हैं हम आपको बैर साहब? अच्छा सुन रहे हैं, ठीक है, ओके, वी एबल टू हियर यू एंड आल्सो, ओके फाइन। तो 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, मैं हमेशा समझता रहा हूं कि अच्छी शिक्षा समाज से कटकर नहीं हो सकती, इसलिए किस सीमा तक आप समुदाय को अपने काम में जोड़ रहे हैं, मान के चलता हूं कि आप लोग जोड़ रहे होंगे। दूसरी बात, जब समुदाय को जोड़ रहे हैं तो किस सीमा तक समुदाय को भी आप तैयार कर रहे हैं इस तरह के विचारों को बदलने के लिए या आज की व्यवस्था में सवाल उठाने के लिए, समस्याएं पैदा करने के लिए। नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, मान लेता हूं, बिल्कुल, बहुत कभी भी मैं एकदम आदर्शवादी बात कर भी रहा हूं तो मान लीजिएगा कि मैं मान के चलता हूं कि उसमें से जितना संभव है वही बात कह रहा हूं। तो दूसरा है कि उनको किस सीमा तक उसके लिए तैयार किया जा सकता है। तीसरी बात कहना चाहता हूं,
और वो भी मैं स्वीकार कर लूंगा कि होगा ही, वो है आपके पास जितने काम करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता है, मैं बहुत सारी संस्थाओं के ये मैं जानता हूँ, जो मैं भौतिक शास्त्र नहीं जानता पर रिफ्लेक्शन नाम की एक चीज को मैंने सीख लिया है कि बोर्ड मेंबर से और शुभांगी से लेकर नीचे जाते तक किस तरह हर सतह पर कुछ बातें बदलती हैं और किरणों में कैसा क्या परावर्तन कहते हैं जो भी कहते हैं हो जाता है, मैं हिंदी नहीं जानता इस बात पर क्योंकि मैंने साइंस पढ़ी ही नहीं है। ओके, तो मैं मुख्य रूप से कहने की कोशिश कर रहा हूँ जो लोग वास्तव में वहां काम कर रहे हैं, किस सीमा तक जो मैं कह रहा था कि एक खास प्रकार का शिक्षक पैदा करना है उस तरह की हो सकते हैं। इसमें दो तीन महत्वपूर्ण बातें मैं बोल देना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। जहां जहां मैंने ये शिक्षा में बाहर काम करने वाले स्वयं संस्थाओं से बातचीत की है, काम करने वालों से, सब लोग बार बार जो सवाल उठाते हैं वो ये है कि जब स्कूल में मान जरूरत है, शिक्षक के लिए जरूरत है, तो वो तो प्रैक्टिकल, जो आपने भी प्रश्न किया ना उसी तरह का, उनको तो प्रैक्टिकल चीज चाहिए। आज हम स्कूल में पढ़ाई अच्छी तरह कैसे कर सकते हैं वो चाहिए। मेरी समस्या क्या है और उसका जवाब भी दे रहा हूँ। समस्या ये है आज जो स्कूल में चाहिए वो तो अच्छी शिक्षा नहीं है ना, आप भी कर रहे हैं वो अच्छी नहीं है वो, और फिर भी आप कह रहे हैं कि मुझे बताओ ही कि वो अच्छी शिक्षा ना सही, पर उसी शिक्षा को देने के क्या तरीके होंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि नहीं, हमको एक ऐसा शिक्षक चाहिए जो, या आपका जो काम करने वाला है, जो सबवर्सिव है, जो जानता है जिन बातों को मैं कह रहा हूं, जिसने समझ लिया है, और जिसमें वो कौशल, फिर आप कहेंगे कौशल कहाँ से आएगा, ये आपके प्रश्न का मतलब है, वो कौशल कहाँ से आएगा जिस कौशल में वो एक बदलाव का विजन तो रखे और उस बदलाव के विजन के साथ साथ आज की व्यवस्था में मिलजुल कर उसमें घुसा रहकर उस विजन के लिए आगे धीरे धीरे बढ़ा सके। लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जितना ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं और करवाते हैं, वहां कोशिश करते हैं कि इन दोनों को अलग रखा जाए। शिक्षक को कोई मजा नहीं आता, विजन और उद्देश्य दुनिया भर की बातें करते हैं, उस समय वैसे बैठा रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। और जब प्रैक्टिकल बातें करते हैं कैसे पेडागॉजी की, क्लास की, तो शायद उसका इंटरेस्ट आता है। मैं एक तरह से कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए कि आप जिन लोगों का, जिस तरह का भी नए लोग लेते हैं, मैंने आपका प्रोफाइल भी देखा, कुछ लोग बहुत पुराने हैं आपके यहाँ, पुराने माने बहुत सालों से जिन्होंने काम किया है कहीं कहीं यहाँ वहाँ, कुछ लोग एकदम नए हैं, मैं जानता नहीं हूँ। आप लोगों की तैयारी करने का जरूर बढ़िया तरीका होगा, उस तैयारी करने के तरीके में क्या आप किसी तरह से चेंज एक्टिविस्ट बना रहे हैं, और जो चेंज एक्टिविस्ट बना रहे हैं शायद उनसे बात करनी होगी कि उनको क्लास में किस तरह के स्किल या इस तरह करने की कोशिश में क्या समस्याएं आती है। मैं शायद अभी यहीं पर बैठ कर ही नहीं कह सकूंगा कि उसमें स्किल क्या होना, पर बेसिकली मान के चलता हूँ एक उसको अलग विजन होना चाहिए और डिफेक्ट्स को मालूम होना चाहिए, दूसरा मजबूरी से इस डिफेक्ट के बावजूद समस्या को एडजस्ट कर रहा हूँ ये एहसास होना चाहिए, इसलिए वो असंतोष होना चाहिए कि जो हो रहा है वो मुझे कर रहा हूँ, करना पड़ रहा है, वो सही नहीं है, और उस असंतोष के खिलाफ बदलने के लिए कोशिशें करने का संकल्प करने का। तो मैं एक तरह से मान के चलता हूँ जो अभी कि उनमें भी अपनी अपनी प्रतिभा है, वो भी शायद सोचना शुरू करेंगे तो कर पाएंगे, यदि ये तीनों चीजों में है, आज से असंतोष, मजबूरी से जुड़ना और आगे चलने बदलने के लिए संकल्प, तो कैसे किया जाए एक पर्टिकुलर परिस्थिति में, इसको मैं आर्टिस्ट्री कहता हूँ, वो खाली भाषण देने की चीज नहीं है, एक अपनी अपनी कला है, हर व्यक्ति की कला, और हम लोग उस कला को कैसे बना सकते हैं, मान सकते हैं, ये सवाल आप उठाएंगे तो संभवतः कहीं मुझे उन लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, और आप लोग शायद, आप तो शायद मुझसे भी ज्यादा करेंगे क्योंकि आपने तो दूसरा दशक में और ये सब कुछ काफी किया हुआ है। बहुत ही बढ़िया। आई थिंक हम एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जब हम टीचर
कि स्किल्स के बारे में या टीचर की एजुकेशन के बारे में या टीचर ट्रेनिंग के बारे में कर रहे हैं, क्योंकि एक वो बहुत ही अहम स्टेप है, अहम हिस्सा है जिसके थ्रू हम आगे बच्चों तक पहुंच सकते हैं. और ये सिर्फ शुरुआत है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा इन डेप्थ और बातचीत करनी चाहिए मुझे लगता है. मे बी आगे जाकर थोड़ा हम शुभांगी से रिक्वेस्ट करके ये इस पार्ट पे थोड़ा सा और डिस्कशन होना चाहिए. बट फिलहाल के लिए अगर और किसी के पास कोई सवाल है या कोई अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू व्यक्त करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो प्लीज आप बोल सकते हैं. आई थिंक अभी हमारे पास थोड़ा सा समय और है, हम कुछ सवाल या कुछ आपके व्यू पॉइंट और ले सकते हैं. अब प्रीति, हम ना हम बहर साहब को थोड़ा 10 मिनट का टाइम भी देंगे उनको वाइंड अप करने के लिए, एंड देन अरविंद से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो फॉर्मल थैंक यू करें बहर साहब को. तो अगर हम ऐसा करें कि एक बज चुका है तो एक आखिरी कोई एक सवाल पूछ लें और फिर बहर साहब को थोड़ा वक्त दें कि वो अपनी बात को थोड़ा टाई अप कर दें और फिर अरविंद कर दें. क्योंकि बहर साहब ये तो हम मान के चल रहे हैं कि ये पहला आपका इंटरेक्शन है और हमें तो आपके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलना ही मिलना है. आप नहीं भी चाहेंगे तो हम आपको लेकर आएंगे, आपके पास समय नहीं होगा तो हम समय निकलवा लेंगे, लेकिन आपको आना ही होगा हमसे और बातचीत करने के लिए. थैंक यू, जरूर जरूर, खुशी होगी. हाँ जी, तो एक लास्ट सवाल एंड देन एज शुभांगी सेड वी विल गिव सम टाइम टू सर आल्सो टू वाइंड अप एंड अरविंद सर टू जॉइन इन. कोई एक आखिरी सवाल या कुछ बोलना चाहेंगे इस पर प्लीज? मैम एक छोटा सा सवाल था सर. ठीक है, करिए करिए प्लीज. हेलो सर, नमस्ते. नमस्ते नमस्ते जी. हाँ मैम, इसका ये कैमरा काम नहीं कर रहा है मैम, मैं इसको ऑन किया हुआ है. कोई बात नहीं, कोई बात. हाँ जी, तो सर मेरा ये सवाल था कि जैसे इसमें हम बात कर रहे हैं जो हमारा शिक्षा को लेके जो गोल है, जो उद्देश्य है, तो कहीं ना कहीं सर जो ये हम बात करें जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस की, तो कहीं ना कहीं वो जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस है वो उस गोल को अचीव नहीं करने दे रहे हैं, तो क्या ये एक मेजर रीजन हो सकता है? किसके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस? सर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस की मैं बात कर रहा हूँ. किसके किसके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस? हाँ सर, बच्चों के. सर बच्चों के ना अभी काम कर रहे हैं. जी जी जी, बिल्कुल सही, एकदम सही कह रहे हैं. देखिए, वो जो मिड डे मील का, एक तरह से मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी दे रहा हूँ और ये चूंकि शुभांगी ने कह दिया कि और कोई प्रश्न नहीं होगा तो शायद मैं वाइंड अप भी कर दूं साथ ही साथ. ठीक है, चलेगा ऐसा? कि और कोई सवाल है अभी? नहीं, तुम्हें बढ़िया जी. वाइंड अप करने के पहले एक बार अरविंद सर आई एम श्योर कुछ बोलना चाहेंगे, तो आप प्लीज इस सवाल पे थोड़ी सी. अच्छा ठीक है, इसका जवाब दे देता हूँ. हाँ जी, आप सम अप कर लीजिए और फिर एक बार अरविंद सर से कुछ सुन लेंगे हम जरूर. नहीं मतलब सम अप कर दूं फिर अरविंद सर बोलेंगे आपके. हाँ जी हाँ जी जी, बैठ साहब पहले आपका, हम तो आखिर में आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, उसमें हमारे प्रेसिडेंट आना चाहेंगे. ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं. तो खैर आपके में जो आपका प्रश्न था फाइनेंशियल सिचुएशन की, बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने उठाई है. बड़ा मुश्किल है ये जो मिड डे मील के संबंध में सारे सवाल आए थे, उससे मैं काफी एक तरह से व्यथित था. कहिए मिड डे मील अत्यंत अनिवार्य है. यदि उसके कारण शिक्षा व्यवस्था को या शिक्षा के स्कूल की शिक्षा को अड़चन हो रही है, तो हमारी लड़ाई होनी चाहिए कि आप मिड डे मील के लिए अलग का इंतजाम करिए, जो लोग लाके आपको परस देंगे बजाय हमारे शिक्षक और हमारे स्कूल को जोड़ने के. लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि गांवों में मेरा अनुभव है कि मिड डे मील एक बड़ा भारी संबल है जिसमें गरीब लोग कुछ खाना पा पाते हैं. मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कई गांवों में गया हूं और जब बातचीत की तो समझ में आया कि वो मिड डे मील पाने के लिए, या मिड डे मील उसका पहला मील है, वो तो ब्रेकफास्ट करके नहीं आया है. जिसको आप मिड डे कह रहे हैं वो असली उसका ब्रेकफास्ट होता है. और तब से बल्कि मैंने अजीम प्रेमी फाउंडेशन से कहा था, कुछ जगह उन लोगों ने शुरू कर दिया है जहां वो ब्रेकफास्ट के लिए अलग पैसा देते हैं. पैसा माने ब्रेकफास्ट का इंतजाम कर देते हैं. आया है स्कूल में तो पहला है खाना खिलाओ बच्चे को, फिर पढ़ाई लिखाई शुरू होगी और फिर मिड डे मील अलग होगी.
तो मुझे लग रहा है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आखिर हम तो 1975 से मैं इससे लड़ रहा हूं कि गरीबों को उनकी गरीबी के विषय में ध्यान न देकर आप ये उम्मीद करें कि शिक्षा करेंगे। उस जमाने में वारेन माइनर ने किताब लिख दी कि ये यहाँ का एलीट वर्ग नहीं चाहता है, नहीं तो कंपलसरी एजुकेशन तो अभी भी हो सकता है। हाँ, मुझे बहुत हंसी आती थी उनके क्या समझ में आता है, जो भी कारण बता रहे थे, अब उससे विस्तार में नहीं जाऊंगा। लोगों को समझ में नहीं आता कितनी गरीबी है, कितनी मुश्किल है लोग, इसलिए वो तो होगा ही। आप सही कह रहे हैं, बहुत सीमा तक फाइनेंशियल सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक है। आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज के मैं नहीं जानता, नहीं तो मैं तो कहूंगा कि आपके लर्निंग सेंटर में आप ब्रेकफास्ट भी दें और मिड डे मील भी दें। हाँ, संभव है तो। यहाँ बात खत्म हुई, क्योंकि जब तक भूखे पेट न वजन हो गोपाल, हो गया एक तो आपकी बात का फिलहाल मैं सहमत हूँ आपसे। वो केवल उतना ही नहीं है, एक तरह से कहूंगा कि ये जो सामाजिक वंचित होने का मामला है वो और अलग मामला है, लेकिन उसको ना लाकर कम से कम यदि ये वाला कर दिया जाए तो भी शायद बेहतर होगा। एक और जो कह रहे हैं मेरे रिमार्क्स आखिरी में, मैं बहुत कुछ तो नहीं कहना है मुझे, क्योंकि देखिए एक बात साफ होना चाहिए। मैंने आज बातचीत जानबूझ के उस दायरे में की है जिस दायरे को मुझे विषय के रूप में दिया गया। उद्देश्य कोविड वाला मामला मैंने टाल दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि गोविंदा आएंगे और कोविड के कारण शिक्षा में जो जो टकराव या जो अंतर संबंध बन रहा है उस पर वो बात कर लेंगे। वो आपने मुझे बता दिया, अच्छा हुआ वो बता दिया। कोविड के सवाल हटा दिए मैंने। तीन चीजें कही थी मैंने, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं तीनों को थोड़ा बहुत पूरा कर दूं। पहला कि शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप लोग जानते भी रहे होंगे, इसीलिए शायद आपने पूछा नहीं, फिर भी मैंने उसको अपने ढंग से बताना चाहा। और मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा का क्षेत्र पानीपत की लड़ाई है, कुरुक्षेत्र है। कभी ये मत मान के चलिए कि ये सरल सपाट रास्ता है। ये मैं जो बार बार कह रहा हूं उस पर ले जाना चाहता था। एक दूसरी बात कि यदि प्राथमिक शिक्षा में आप काम कर रहे हैं, असल में मेरी गलती आठवीं हो गई, मैं आठवीं बार बार इसलिए कह रहा था कि देखेंगे आपने मुझे जो ब्रोशर दिया है कहीं ना कहीं आठवीं तक का वहां जिक्र है, जो भी मैंने पढ़ा है, तो गलती मेरी भी हो सकती है। तो मैं कह रहा हूं कि हाँ, पांचवीं तक तो बहुत ही अलग सा मामला है। शायद मेरे कहने का अगला मतलब हो गया कि आप पांचवीं मत रुके, आठवीं तक करिए, क्योंकि वो मिनिमम है जहां होना चाहिए हमको, जहां पहुंचना चाहिए। ओके, चलिए तीसरी बात। मेरा यह विश्वास है कि आज की शिक्षा को धर्म मान लिया गया है, इसीलिए सवाल नहीं उठ रहे हैं। एक प्रोटेस्टेंट मूवमेंट की जरूरत है हम लोगों को, शिक्षा को धर्म मान लिया क्यों कह रहा हूं, देखिए मजेदार बात है, मैंने बहुत लोगों को सवाल उठाया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन क्यों कह रहे हो, नहीं तो मान के चल रहे हो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, वही सबसे अच्छे शिक्षा का तरीका है। यदि पता नहीं कितने लोग जॉन होल्ट का नाम जानते हैं, जिन्होंने होम स्कूलिंग मूवमेंट चलाया था अमेरिका में। यदि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा और अच्छा पढ़ा सकता हूं, तो क्यों ऐतराज कर रहे हो कि तुमको स्कूल तो आना ही पड़ेगा 8 साल का, है ना। कंपल्शन का मतलब है ओबीडियंस की डिमांड करना, कंपल्शन का मतलब है कि मैं जिस तरह की चीज चाहता हूं वो सीखो, वो मत सीखो जो मैंने निर्धारित नहीं किया है। तो ज्ञान की सीमाएं आप तय कर रहे हैं, आप ये भी कर रहे हैं कि करुणा, प्रेम, हाँ, सहयोग, इसको सिखाने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन, माफ करिएगा जो थे वहां उस समय उस मुद्दे को मैं उठाने वाला था, क्या विद्यार्थी को दूसरों से कंपटीशन करना चाहिए या विद्यार्थी को अपने से कंपटीशन करना चाहिए। अपना एक्सेलेंस अचीव करना इंपॉर्टेंट है। आज मैं 80% पा रहा हूं और फर्स्ट हूं, और कल मैं 73% पाऊंगा और फर्स्ट रहूंगा तो चिंता करूंगा क्या, मैं तो घट गया ना। तो मुद्दे की बात यह है कि कंपटीशन शुड बी विद सेल्फ, अपने साथ प्रतियोगिता होनी चाहिए बजाय प्रतियोगिता उनके साथ होने की। अगली बात, मैं जब समुदाय की बात मैंने आपसे की थी और अभी फिर दोहराना चाहता हूं उसको, तो इस धर्म के खिलाफ करने की जरूरत है।
दूसरा कह रहा हूं कि समुदाय को जब तक आप जोड़ेंगे नहीं, और उस जोड़ने का मतलब ये नहीं है, बहुत मजेदार बात है, समुदाय के जोड़ने की बात तो आज 50-60 साल से हो रही है, पर समुदाय के जोड़ने का मेरा मतलब ये नहीं है कि उनको जोड़ो कि स्कूल में आके पढ़ाओ। उनको जोड़ो कि स्कूल की पढ़ाई तो फिलहाल कर रहे हैं, पर वो पढ़ाई पर्याप्त नहीं है, अच्छी नहीं है। असल में तुम लोगों की जो हालत हुई है, हालत एक तरह से मैं मान के चलता हूँ एडल्ट एजुकेशन, इस सेंस में एजुकेशन, नॉट ओनली लिटरेसी, एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट कॉन्सेप्टाइजेशन, यदि मैं वो शब्द इस्तेमाल करूँ अंग्रेजी का, यानी उनको सचेतन करना, उनके समाज को समझने और समाज को ऊपर प्रहार करने के या असंतुष्ट पैदा करने के लिए जो काम करना है, साथ साथ नहीं होगा तब तक कि हमारी अच्छी शिक्षा का जो मेरा सपना है वो नहीं बदलेगा। अभी जो आप लोग सवाल कर रहे हैं उनके सवालों का जवाब भी दे रहा हूँ, उस समय इशारे से दिया था, अब फिर से जवाब दे रहा हूँ कि सच कहा जाए तो इसके बिना नहीं काम चलेगा। तो ये पूरा जब करेंगे तब इस जर्जर समाज को और जर्जर शिक्षा व्यवस्था पर आक्रमण कर सकेंगे। शुभांगी आपने ठीक कहा था, मैं भी उम्मीद करता हूँ, मैं यदि इस तरह की एक विषय में इतनी बातें करके कहीं गलत फहमी पैदा कर रहा हूँगा तो सब दूर करने का तरीका होगा कि हम लोग फिर कभी जरूरत के मुताबिक आपकी और अपनी सबकी सुविधा से मिलेंगे। आप कभी भी गलत फहमी नहीं पैदा कर सकते, बल्कि आप सोच को, आपने बहुत सारे विषय देंगे आप सोच के, इसलिए आपको आना होगा। आप गलत फहमी कभी नहीं पैदा कर सकते, आप रिफ्लेक्टिव स्किल्स पैदा कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको मुश्किल उठानी पड़ेगी हमारे पास दोबारा आने की। यस, ओवर टू प्रीति। जैसे बिल्कुल सही बोला है, हमने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की है कि जो भी हम आज बात कर रहे हैं वो एक्चुअली एक स्पार्क क्रिएट कर रहे हैं हम सभी में, कि सभी के मन में अब थॉट्स उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो गए हैं। सभी के मन में बहुत सवाल है, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में, सोशल सेक्टर में काम करते हैं और जितना ग्रास रूट लेवल पे हम लोग प्रेजेंट हैं और काम कर रहे हैं, तो ये सब चीजें हम रोज स्ट्रगल करते हैं इन चीजों से। हम क्या करना चाहते हैं, एग्जैक्टली क्या अचीव कर रहे हैं। आई थिंक इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर भी मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी के लिए, आज के लिए एक मिनट, एक लाइन में बाधा डाल देना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से इसके बाद भी लोगों को तुरंत सवाल ना किया हो, पर जो बहुत सारे सवाल उठ गए हैं मेरी बातचीत से भी और उसके बिना भी, वो मैं फिर भी आप यदि प्रीति आप संग्रहित कर ले उन लोगों से बुला के, आगे कह दे 10 दिन का टाइम दे दीजिए, जो सवाल करना है शिक्षा से संबंधित वो आप कर दें, मुझे भेज दें तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं जानना समझना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू, सिर्फ थैंक यू करना है बिहार साहब को। बिहार साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक यू वेरी मच फॉर यू नो स्पेंडिंग सो मच टाइम नॉट जस्ट इन द सेशन टुडे but also in terms of preparing for the session, in terms of looking at the questions, looking at our website and vision statement, and thinking about what we need, some tips on what we should be doing going forward. I just wanted to, besides thanking you, and I'm glad that Shubhangi has made the request that we should have some more working sessions wherein we can sort of look to some actions which we as an organization can take to sort of move in the direction of some of the thoughts which have been very well put today in terms of things which we need to do to enhance the value which we bring to the girls, in terms of how they can become much more able to learn on their own, the self-learning or what you say, learning how to learn or being a lifelong learner. How do we inculcate them even though we are basically involved with them for only up to 5 years at the moment. So how do we, is there something which we need to do in the way we teach our teachers? Is there something more we need to do? I know that a lot of work which we're doing in terms of multi-level, multi-grade learning goes outside some of the, the parameters which the government system talks about in terms of year-to-year curriculum. So that at least for a 5 year period, we have a sort of, all the girls learn together, but at different pace, if you like. And therefore they learn from each other as well. So there is a level of learning which
is substantially different from the way, you know, it is taught in some of the government schools and some other schools. So there is a lot of benefit in the way we do things, but I'm sure there's much more which we can do to enhance the critical learning abilities of our girls so that when they go out into the government system, you know, they continue to ask questions and are not, you know, and have this ability right through their life. So that, you know, so how do we do that is something which we need to think about, you know, in terms of the way we impart our learning. And it's also about, you know, and there's some lot of interesting questions which came in terms of, you know, today we are focused primarily in terms of balancing basically the curriculum after 5 years, which is linked to the government system. At the same time, you know, inculcating, you know, aspiration levels amongst our girls. But is there more which we need to do, which is more broad-basing the learning in terms of gender equality and bringing out some of those aspects which is embedded in our society, which they can question, not just start questioning in their communities as well. I know it's not going to be easy, but I think these are important questions which we need to sort of think about in the context of what Behar Saab has raised, not just in terms of the teacher training, but also in terms of how we basically, is there more which we need to do in terms of training of our project managers and our PIs and how we train our partners who are involved in, you know, in terms of our education program. So the whole, if you like, the ecosystem in which we operate would need to see some transformation if we are to move in some of the directions which Ms. Behar Saab had raised. And we need to sort of reflect on this and say, okay, which are the things which we can do immediately? Which are the things which we want to do over a period of time so that we don't sort of lose some of the messages, but at the same time, are effective in implementation and you know, effective in the way which we are able to make the difference in terms of the system. We are now, Impact has now been an organization of about 16 years. When we started, our purpose was basically because we realized that the biggest multiplier which we can make in society is girls' education. Because if you ensure that girl gets educated, then she is able to have a difference in terms of her family and her community. And what we saw was there was a large number of girls which are not getting access to education, out of school girls. And most of them were in rural India. And we found that very few interventions were there in rural India. A lot of interventions were there in urban India. And therefore, we said that we must go take our learning to where it's needed the most. And therefore, we are operating in some of the states which are the most needy, right? We you know, and so that's the initial thought process. And of course, in the last 15 years, a lot of changes have happened. The government has done certain things. The less out-of-school girls, many of the girls today are registered in government school, but still come to our schools for actually getting educated, so to speak, even though they go to the government schools for getting the midday meal, so to speak. But I think we need to rethink our approach given the changes which have happened in the 15 years in terms of going the next 15 years, what we need to do. And we did have a reflection last year, which was facilitated by SBN and Ravi Sridharan and Arun Mehra, you know, and various other this thing. And I think some of the thoughts which Mr. Behar has raised are in tune with some of the thinking which we are starting to do in re-looking at how Impact should reorient our way going forward. Now, I know that in the current situation of COVID and we think always of the most bleak situation, but we know that this too will pass and we need to get back
to education of our girls and refocus on those issues. So with that, I just sort of close and thank Mr. Behar again and hope to have this as a continuing sort of a discussion or dialogue with him, with our teams, so that we can continue to make progress going forward. Thank you. Thank you, Arvind sir. Thank you so much, Behar sir. Thank you. Thanks to all of you. Thank you. Look forward. And thanks to all the Impact team who have joined in. Thank you, Behar sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Yes, thank you to the entire team for joining in as Behar sir. Let's all again put in our questions and, you know, we can just keep them and consolidate them and we can share it with her. Shukriya, sir, and hope to see you again very soon. Now I can see Arvind Mahajan. So far, he was not visible. When he was speaking, he was not visible. Now I can see him. Good to see you. Thank also. You. Yeah, we've been able to see you, so I hope to meet you in person as well. Yeah, right. I would like to. And in fact, you have spoken very well. Whatever you have said. Worth it. Thank you. Thank you. Bye, Subhangi. Bye to all of you. Thank you. Bye. Thank you. We need to, Vipriti, who will end the meeting? I'm unable to. I mean, will it be done by Balaji? I think we can all leave the meeting. We can all end together, yeah. Okay, please. You can leave the meeting now. Okay. Everyone will end it now.